नहीं, सभी को जय जी हिंद। बस मैं 3 दिन से गई हुई थी बेटी के यहाँ, तो अभी अभी आई हूँ। जस्ट एकदम आते ही सबसे पहले फोन किया मेरे दीदी, आज ही आई थी। हाँ, 3 दिन से नहीं सुन पा रही थी मैं आपकी, अभी जस्ट आती सबसे पहले मैंने यही खोला है। बहुत अच्छे से समझाया दीदी आपने, मेरा 3 दिन मिस हो गया लेकिन मैं देख नहीं पाई हूँ और मैं छोड़ नहीं पाती, मेरा मन पड़ा रहता है इसी में ही। बहुत अच्छे से आपने वर्तना परिणाम ये सब समझाया, आज पढ़ूंगी रात को मैं बैठ के, तो क्लियर बिल्कुल हो जाएगा मुझे जब आपका ये सुना, समझ भी लिया। दीदी सच बताती हूँ, मैं अंतर मन की बता रही हूँ। बात ये कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी लाइफ में कि पता नहीं कभी कोई मुझे ऐसा मिल सकता है क्या, कोई जो मुझे धर्म को अच्छी तरह समझा दे। लेकिन मेरे मन से निकलता था कि नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कब मुझे मिलेंगे, और हमेशा ये सोचती रही, लेकिन कभी मुझे अवसर नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कोविड में मेरे सामने आप दीदी आ जाएंगी, और मेरे जिन नहीं क्वेश्चंस थे मेरे मन में उठते थे, उन सबके जवाब मुझे मॉर्निंग सेशन में सब ऐसे मिले। और आपने मुझे पाठशाला दे दी, पाठशाला मुझे चला रही हूँ, तो मेरा मुझे जीवन मिल रहा है। जैसे मैं सच बता रही हूँ दीदी कि आपने मेरे को जीवन दिया है, मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से अंदर से मानती हूँ कि मेरे को सारे क्वेश्चंस के जवाब मॉर्निंग सेशन में जो आप पढ़ाते थे, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या क्या वो आवरण था जो मेरे ऊपर पड़ा रहता था, वो आवरण दीदी मैं हमेशा इनको बोलती हूँ जैन साहब को, कि दीदी ने मेरे आवरण हटाया। मैं पढ़ती रहती थी, धर्म करती रहती थी, लेकिन क्या था कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे दीदी मेरे, कंसेप्ट कंसेप्ट ही रह जाते थे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कहीं पूछने जाने की। और आपने मेरे बिना पूछे ही कोविड के समय में सारे मुझे आंसर मिले, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ दीदी, बहुत बहुत। मेरे कहने से कुछ नहीं है, मेरा मन मन का एक एक अणु आपके लिए वो है दीदी, कृतज्ञ है कि मुझे क्या मिला है। मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर पावर नहीं है दीदी, कि ना मेरी लेखनी में है दम कि मैं उस चीज को लिख के भी आपको भेज दूं। हेलो, मेरा रोम रोम आपके लिए कृतज्ञ है दीदी, मेरे सच में कह रही हूँ, मेरे आंसू भी आ जाते हैं। जैन साहब के सामने अक्सर मैं रो पड़ती हूँ कि दीदी ने मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन दिया है दीदी। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, आज पता नहीं मैं कैसे भावुक हो गई एकदम, जो कि आई एकदम, और आने के बाद एकदम बेटी के यहाँ से आई, और एकदम मैंने कहा दीदी का वो मैं छोड़ूंगी नहीं, और आपने एकदम मुझे, मैं आज आना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं बहुत भावुक सी थी, तो एकदम आपने मुझे स्क्रीन पर ले लिया दीदी, और मैं अपने भाव आज व्यक्त कर पाई। तो ये मेरे मेरे लिए मेरा सौभाग्य है दीदी, आपने मुझे स्पॉटलाइट पे लिया और मैं बता पाई कि अपने मन की मैं अमेरी का हूं इतने दिनों से, लेकिन दीदी आपको एक दिन भी मैं नहीं भूल पाती हूँ, सच बता रही हूँ। मेरा अंग अंग बिल्कुल आपके लिए ये समर्पित है दीदी, नो वर्ड्स, ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी दीदी, बहुत कुछ मिल गया मुझे, मुझे शब्दों की। मैं क्वेश्चंस अभी मेरे सामने कुछ आते हैं दीदी, मैं बैठती हूँ आपका नाम लेके, और मैं किताब अपनी, अभी की बात है कि मैं कुछ क्वेश्चन आया, मैं इनको कहने लगी क्वेश्चन का जवाब कहाँ मिलेगा, मैंने आपको याद किया, मैंने कहा, फिर मैंने जिनवानी मेरे पास रखी रहती, मैंने जिनवानी निकाली, तो मुझे लगा कि इस जिनवानी, इतनी बड़ी जिनवानी में मेरे शब्दों का आंसर कहाँ मिलेगा। लेकिन क्या था, मैं कंफ्यूज थी, मैं बहुत इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुझे जो ध्यान था, मुझे था कि यही होना चाहिए जो मुझे ध्यान है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग था मुझे कि भाई क्या चक्कर, ये इसमें लिखा इधर ये। फिर मैंने जिनवानी माता उठाई अपनी और जिनवानी को सिर से लगा के मैंने कहा उत्तर मिलेगा आज, मुझे रात चाहे कितना ही टाइम हो जाए मैं पूरे टाइम पढ़ूंगी। लेकिन मैं 120 नंबर पर गई और एकदम मुझे जिनवानी पर मुझे आंसर मिल गया, पता नहीं कैसे दीदी ये सब आप ने मेरे अंदर गुण भरा है, मेरे अंदर है ही नहीं, था ही नहीं ये सब चीजें जो ऊपर वाले मुझे दे रहे हैं, और आपने जो दे दिया तभी मुझे ऊपर से मिल रहा है दीदी। मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ, कई बार मेरा को नहीं होता कि वो कहेंगे नहीं पढ़ा पाओगी आज, छोड़ दो छुट्टी कर दो लिख दो तुम, भाई रात को कहेंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे सीट पर बैठना है लैपटॉप खोल के, और ऊपर से प्रभु की कृपा है, जैसे ही बैठ जाती हूँ तुम्हें शक्ति आ जाती है दीदी, पता नहीं कैसे। पढ़ाया ना आपको उपादान और लिमिट, मैंने पढ़ाया तो सभी 200-250 लोगों का था उस समय, 250-500 जितने भी थे, हजार ही जो थे, जी 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 उपादान शक्ति पात्रता भी बहुत बड़ी चीज है, आपको शक्ति थी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो पढ़ाया हजारों लोगों को आज पढ़ाया है, पर कुछ ही लोग उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उपादान भी बहुत, यही है आज जो पढ़ाया ना उपादान और निमित्त, यही है निमित्त और आप जो उपादान है, वो योग्यता थी, आपने उसको ग्रहण किया, मेरा कुछ नहीं है, एक एक शब्द सब माँ जिनवानी का है,
प्रभु का है, मैं स्त्री हूँ, मैं मात्र मात्र। जब मैं स्मृति पर बैठ जाती हूँ दीदी, लैपटॉप होता है, पाठशाला, बच्चे मेरे सामने होते हैं, मुझे नहीं याद रहता कि मुझे बुखार है या मुझे तबीयत बोल है मेरी कि मैं नहीं बैठ, सिर में दर्द है मेरे, आज नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं रहता। वो आप दीदी, आप उसका कारण है और भगवान शक्ति दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है दीदी। बहुत कुछ दिया आपने, मेरे पास शब्द नहीं बढ़ते आज कुछ शब्द। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा कितना भावुक, और किसी को पता भी नहीं था कि ये 4 दिन 5 दिन पहले की क्लिप है। यदि आप सब लोगों को याद होगा तो 5-7 दिन पहले ही सब कुछ हुआ था, 20-21 नंबर का और सूत्र चल रहा था। जब 20-21 नंबर का सूत्र चल रहा था, तीसरे छठवे पांचवे अध्याय का, उसके बाद 42 सूत्र तक हुआ और छठवा अध्याय शुरू भी नहीं हो पाया, और बड़े दुख के साथ हमको आपको सबको सूचित करना पड़ रहा है कि रेखा जी का कल इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर को 12 बजे अमेरिका में देह परिवर्तन हो गया। हाँ, तो हमारे बीच में अब रेखा जी नहीं है। कल रात को एसी जैन साहब का फोन आया तो मैं तो कम से कम 10 मिनट तक उनके साथ फोन में रोया था, और अभी भी रुलाई आ रही है। ऐसी रेखा जी जिनका आपने क्लिप देखा, कितने समर्पण था और कितने अच्छे भावों के साथ, कैसी एटमॉस्फियर में वो पिछले 2-3 साल से थी, पूरा समय 24 घंटे उनका धार्मिक वातावरण में रहता था, बच्चों की पाठशाला, सेशन, तत्वारसूद, भक्तांबर जी, और लेकिन आयु की एक अपनी सीमा होती है और उसको कोई नहीं रोक पाया, तो वो तो जिस समय में आना है उसी समय में आएगी, और वही हुआ। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस समय का जो पीरियड था उनका, वो कितना अच्छा व्यतीत हुआ, हम सब इस क्लिप को देखते, इस क्लिप के माध्यम से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा पीरियड हमारे साथ, ये आखिरी पीरियड व्यतीत किया। होना तो इसी समय था, ये तो निश्चित था, विधि का विधान था, लेकिन वो जो पीरियड था इसके पहले का, वो कितना अच्छा व्यतीत हुआ, कोई कर्मों का बंध नहीं हुआ, नए कर्मों का, बुरे कर्मों का आश्रय नहीं हुआ, शुभ कर्मों का बंध हुआ, और निश्चित रूप से उनकी आत्मा को विदेश क्षेत्र में जगह मिली होगी, और वो वहीं पे अब अपनी आत्मा का मानव जीवन लेके और अपनी आत्मा का आगे का कल्याण करेंगी, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त होते जाएंगी। तो इस प्रकार रेखा जी का कल सुबह देह परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग सेशन को आज हम भावना भाएंगे, और बहुत ही दुखद घटना है ये, मतलब एक आईवीएस के लिए अपूर्तनीय छवि, अपूर्तनीय क्षण है, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता, इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, ऐसा क्षण है, और हम सबको उनकी दिगंबर दिवंगत आत्मा के लिए भावों से श्रद्धांजलि देना है। और अब जितना आप, मैं बोल पा रहा हूं उतना ही बोलूंगा, बाकी सब लोग समझदार हैं, कहने की बात है, लेकिन बहुत ही दुख हुआ है। सब लोग अपने विचार भी 2-2 मिनट के देना चाहें तो बोलेंगे। शाम को भी अपन एक दिन शाम को, अभी पूर्णिमा, अभी क्या है, अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि वहां पे 5-6 दिन लगते हैं, 7 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। अभी उनकी बॉडी को हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है, सिर्फ 2 दिन की हुई है बात, परसों के दिन उनको थोड़ा चक्कर आया है, और चक्कर आने के बाद कुछ हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद सब कुछ हो गया। 2-3 दिन पहले फोन भी आया था, सब कुछ आया था, और रोज बात होती थी, इतने देर बात करी, और कहते थे दीदी बच्चों के लिए मैं प्रोग्राम तैयार कर लूं, 19 अगस्त को अपन बच्चों का प्रोग्राम रखते हैं, बोले जो मैं अभी रख नहीं पाई, 1 साल, कितने 2 साल हो गए पास। अब हम तो उन बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं कि जिन बच्चों को वो संस्कार दे रही थी, अब
उन बच्चों को कितना दुख हो रहा होगा। ऐसी जनता भी अकेले हैं, दोनों बच्चे उनकी और बेटी वही है, तो उनको भी कितना दुख हो रहा होगा, वो क्या क्या सोच रहे होंगे, कल्पना करने में ही बड़ा डर लगता है। लेकिन जो हुआ है वो तो सत्य है और हमें उसको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को, विशाल दुख को सहने की क्षमता दे। इंडिया होता तो बहुत से उनके सहयोगी भी रहते थे, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको अपने आप ही रहना है तो वो परिवार परिवार के लोग ही आपस में बात कर सकते हैं। इंडिया में तो ऐसा है कि आसपास के लोग या पर समाज के लोग आ जाते हैं और सब चीजें विधिवत हो जाती है और सहन शक्ति देते लोग देके मोरल सपोर्ट देके देते हैं तो आदमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं लोग आपस में बात करते होंगे। तो हमें सब सोच के और भगवान से प्रार्थना करें कि इस दुख को हम दुख में हम उनके साथ हैं और अपनी एनर्जी वहां तक भेजे कि भाई उनकी परिवार को हिम्मत दे भगवान और इस बड़े दुख को सहने की क्षमता दे। रेखा जी, हमारे झूम के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे मॉर्निंग सेशन की नियमित जुड़ने वाले ऐसे साधक थे, जुड़ने वाले ही नहीं, उनका लाइफस्टाइल पूरा बदल गया था। रात में 11-11, 12-12 बजे तक स्वाध्याय करने लगी थी और हम तो उनको IVS का कंप्यूटर सुबह स्वाध्याय कराया हो, वो वैसा का वैसा बाद में जब हमारा ये सेशन हो जाता तो बाद में जब हम उनको अनम्यूट करते तो अनम्यूट करने के बाद पूरा का पूरा वो बोल देते थे, बिल्कुल कंप्यूटर था, पूरा का पूरा वो 2 मिनट में सार पूरा बता देती थी कि दीदी आपने आज ये पढ़ाया है, पूरा बोल देती थी। यानी इतनी लगन हो गई थी उनको कि वो कुछ भी पढ़ा तो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती थी। यानी इतनी लगन हो जाना धर्म के प्रति, 3 साल से कितना जुड़ गए थे। और तत्वार सूत्र शुरू हुआ तो मैंने उनको कहा, तत्वार सूत्र शुरू हो गया स्पेशल फोन करके कि आपको जुड़ना है, एक बार जुड़ी और फिर बेटी के यहाँ चली गई, फिर वापस कहने लगी अब दीदी मैं फिर जुड़ूंगी। अभी 3 दिन भी नहीं हुए होंगे फोन आया था मेरे पास, बहुत देर बात की, दीदी बच्चों का प्रोग्राम करना है ऐसा वैसा सब आपका है, वो तो उनकी हैबिट में ही था समर्पण भाव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। बहुत देर बात हुई ऐसी सब, उसके बाद कहती मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन भैया से बात ही नहीं की, दीदी भैया है क्या मेरी बात करा दो ना, ऐसी वर्डिंग उनकी रहती थी, दीदी भैया है क्या मेरी बात करा दो ना। और बहुत देर तक जैन साहब से भी बात की, पूरा अपना मन के अंदर का पूरा मराल उनने पूरा भैया के पास, एक भाई के पास बहना जैसे निकालती है, पूरा का पूरा उनने निकाल दी। बहुत लंबी बात हुई, 2-3 दिन पहले ही फोन आया उनका, नहीं तो मैं फोन भी नहीं उठाती हूँ। और मैंने उस दिन फोन भी उठा लिया, 12 बजे थे कुछ करीब, 11:30-12, हमेशा 9:30-10 बजे का टाइम था उनका, जब भी फोन आता था 9:30-10 बजे उनका फोन पक्का आता और बहुत देर बात करती है, ऐसे थोड़े से देर नहीं। और जय जिनेन, जब तक मैं फोन ना रख दू जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन उनका चलते ही रहता था। हमारे लिए बहुत बहुत दुख की बात है, हम तो बहुत इंतजार कर रहे थे कि सितंबर में सितंबर महीने में वो वापस आने वाले हैं, मेरे बेटे की शादी में नहीं आए इसलिए बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे। मैंने कहा अब मैं सिद्धेश की शादी जब भी करूंगी, जब आप इंडिया में होंगी और जब आप आऊंगी, बहुत इच्छा थी हम लोग के सामने फेस टू फेस किसी से भी वो मिल नहीं पाए। महावीर जी आ रहे थे लेकिन तबियत खराब हो गई, उन्हें तबियत खराब हो गई थी उनके बीच में असाध्य रोग उन्हें हुआ था, लेकिन हुआ था तो कैंसर उनको पहले से यहीं से तकलीफ थी, तो अमेरिका जाके उन्हें वो हुआ लेकिन ठीक हो गया था। यानी एकदम दीदी वो बोल रही थी जब कैंसर हुआ तो कि दीदी मैं हंसते हंसते गई ऑपरेशन के लिए, मैं अंदर हंसते हंसते गई, सब लोग बोल रहे थे कैसी लेडी है कि डॉक्टर भी हैरान था कि हंसते हंसते जा रही है, दीदी मैं आपको याद करी हूँ और बस कि दीदी मेरे साथ है और मैं अंदर जा रही हूँ, हंसते हंसते ऑपरेशन करा के वो आ गई और एकदम सब कुछ ठीक था। बहुत दिन पहले उनने मुझे बताया था कि मुझे ये हो गया है और बिल्कुल ठीक है करके, तो मैंने किसी के सामने वो चर्चा नहीं की, आज पहली बार ही सबको बता रही हूँ कि इतने असाध्य रोग में भी वो रोग से जूझती रही, रोग से जूझती रही। हो सकता पहले से थोड़े थोड़े सिम्टम्स रहे होंगे, तबियत तो उनकी खराब यहाँ भी रहती थी, महावीर जी नहीं आई थी जब भी वो बताते थे ऐसा ऐसा है दीदी इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ,
मुझे बैठने में ऐसी तकलीफ है, ऐसा है। तो जो वहां जाके डिटेक्ट हुआ, लेकिन उनने उसको भी पार कर दिया, तो उसका कारण था सिर्फ धर्म। बोले दीदी मेरे साथ धर्म है, आपने मेरे को इतना परिपक्व बनाया कि मेरे को कुछ नहीं लगता। और मैंने लास्ट तक पाठशाला ली, सिर्फ एक महीने पाठशाला नहीं ली हूँ। बोले बता, इतना बड़ा रोग होने के बाद जिसको बैठने में भी तकलीफ थी, वो एक महीने सिर्फ पाठशाला बन रही है, और पूरे समय मैंने पाठशाला ली हूँ। बोले मेरे को जैन साहब बोलते थे मत लो, 2-2.5 साल हो गए, जैन साहब बोलते थे तबियत खराब है मत लो, नहीं, लेकिन मैं लैपटॉप खोल के बैठती, बच्चे मेरे को सामने दिखते तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती थी, ऐसी उनकी वर्डिंग थी। और आज हमें पाठशाला के लिए दूसरे टीचर ढूंढना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पाठशाला। आज भी मैं उनके वो देख रही थी ग्रुप में, इतना बढ़िया स्वस्तिक और उसपे कितने अच्छे कलर्स, बच्चों को आर्ट, ड्राइंग, क्राफ्ट, जैन धर्म का नॉलेज सब 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 पढ़ पढ़ के, पहले स्वयं पढ़ती, आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, और फिर पढ़ाते थे। इतना अच्छा समर्पण, इतना उनका स्वाध्याय की लगन, और अपने साथ वो लेके गए यहाँ से सब चीज अमेरिका, और वहां भी 10वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र की याद करी। तो कितना समय का सदुपयोग उनने किया है, कोई भी अध्याय याद करना है यानी 24 घंटे आपके अंदर उसका स्मरण चल रहा है। तो निश्चित ही वो भले ही उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में मौत हुई, लेकिन भाव उनके हॉस्पिटल जाते समय दिन रात ही उनका धर्म रहता था। जब इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए वो मतलब धर्म के बल पे उन्होंने एकदम उसको जीत लिया, इतने बड़े रोग को उनने जीत लिया, तो फिर अभी तो थोड़ा सा चक्कर ही आया था उनको, जब हॉस्पिटल ले गए तो चक्कर ही आ रहा था, तो उनने उस समय भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, भाव उनके बहुत अच्छे रहे। तो ऐसे हमारे श्रावक श्रेष्ठी हमारी रेखा जी, उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हुए, और उनकी शोक सभा भी हम एक दिन शाम को रख लेते हैं, अभी पुनर्लग हुआ नहीं है, जब नंबर लगता है कहते अमेरिका में जब नंबर आएगा तब वो बॉडी देंगे, इस प्रकार का है। तो ओम शांति, 9 बार हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और एक मौन उनके लिए रखते हैं, उसके बाद भक्तांबर एक बार उनके लिए हम उनकी फोटो लगा देते हैं, तो एक बार भक्तांबर पढ़ेंगे। पहले सब लोग मौन कर लेंगे, खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे, जो जिस पोजीशन में है, जो खड़ा हो सकता हो जाए, जो बैठे बैठे कर सकता है बैठे बैठे कर ले। तो रेखा जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 9 बार नौकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब सामुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब सामुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब सामुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय। देखिए इस बात से हमको ये सीख मिलती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सजीव उदाहरण है, किसी के साथ भी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है।
हमको अपना समय अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, नियम संयम के साथ, धर्म के साथ। बाकी जो चीजें हैं वो तो चलती ही रहती हैं, जीवन है तो, लेकिन उसके साथ साथ हमें कैसे अपना समय व्यतीत करना है, बहुत बड़ी शिक्षा आज हम सबको मिली है, तो हमें उससे शिक्षा लेना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना, फिर हम एक बड़ी सब बड़ी रूप में सेशन तो करेंगे, लेकिन आज छोटे से के लिए प्रमोद जी या दीपा जी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दें, फिर भक्तांबर पढ़ लें, फिर भक्तांबर पढ़ते हैं एक बार उनके लिए। ओम नमः शिवाय। आज की सुबह इतनी बुरी खबर लेकर आएगी, बिल्कुल भी आभास नहीं था। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है दीदी के बारे में जानकर, मतलब शब्दों में भी नहीं कर पाते ऐसे दुख को। पर कल रात को ही मेरी बेटी से बात हुई, मैंने कहा आज उसने क्लास अटेंड करी कि नहीं की। उसका बेटा, मेरा ग्रैंडसन, उनकी क्लास में बैठता है, पाठशाला का नियमित विद्यार्थी है और बहुत फैन है उनका। उसने ये बोला, मेरी बेटी ने मुझे बताया, कहती मम्मी मैं बहुत देर तक वेट करती रही लैपटॉप खोलकर कि दीदी की क्लास होगी, आंटी की क्लास होगी, उनको आंटी मैडम बोलता था, पर वो नहीं हुई। तो फिर मैंने मैसेज देखा तो मैसेज आया हुआ था कि सैटरडे और संडे क्लास नहीं होगी। मैंने कहा हो सकता है सैटरडे संडे उनके भी घर में कुछ काम रहता है, हो सकता है दीदी वो अब इंडिया आने की तैयारी कर रही है, मे बी ये रीजन होगा। पर ऐसा होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाषा, बहुत ज्यादा दुख है दीदी। तो हम सब पूरे IBS की प्रेरणा स्रोत से थी, और जितना उनसे हमने, जैसे दीदी आपने सिखाया और उसको जिस तरह से वो धारण करती थी और समरी के रूप में सबके सामने पेश करती थी, ऐसे जैन भाई सब के भी सामने दिख रहे हैं, हम उसके उनको भी यही कहते हैं कि दीदी की आत्मा निश्चित तौर से देवगति में ही जाएंगी। उन्होंने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया है, वो सभी की प्रेरणा स्रोत थी। तो इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। जय जय भाई साहब। मैं भी दो तीन दिन से देख ही रहा था, मेरी तो भाई साहब से रोज जय दिन होती ही है, और एक दो दिन से रिप्लाई नहीं आ रहे थे, तो मैं आई बस सरप्राइज की क्या बात है। तो कुछ कारण रहे होंगे, तो ये नहीं पता था ये ऐसा कारण रहेगा। तो दीदी के चरणों में सच्चर नमन, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना कर सकते हैं। जय जय भाई साहब। जय 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 Que le missionnaire au paradis prend son Dieu, se coupe une cicatrice pour se donner bonne conscience et regarde l'Amérique comme modèle de conscience. Alors on se trouve des forces, surtout dans les icônes. Pour ça que je me parle tout avec des hommes. Je dis, mais pas que l'on fait de ma pensée, mais à dire que ce que j'en pense de ma pensée. Parce que. On vous aime. आपके घर से भी मैसेज आया हुआ है भाई साहब के यहाँ से, उनकी बेटी ने भी मैसेज किया है चांदनी जैन ने कि उनको ये परिवार की तरह ही समझती हैं। सभी बच्चों को भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो जिस राह पे वो चल रही थी उनको फॉलो करते हुए ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा उन्होंने सबको सिखाया उसी बात पर वो सब भी चले और उनकी लेगेसी को आगे लेकर आए, यही आप सबके चरणों में यही विनती। और आप सबको शांति हो, सबको ये दुख सहने की शक्ति मिले परमात्मा से। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। देखिए हमारे साथ कबीर जी जुड़े हुए हैं, मैं जानता नहीं कौन है, लेकिन कबीर जी भी हो सकता है कुछ पाठशाला के बच्चों के फादर होंगे। एक्चुअली मेरा नाम संदीप है और मैं रेखा जैन का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा संदीप भाई, जय जी। और कबीर मेरा बेटे का नाम है। अच्छा अच्छा। और मम्मी इस क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थी, ये उनकी आइडेंटिटी थी, ये आप सब लोग और जो पढ़ाती थी, तो इतना सब प्यार मिल रहा है सुन के। यहाँ पे उनकी बेटी शिल्पी और लड़का अमित और पापा हैं, जूम पर हैं, इतना सब प्यार सब लोगों से सुन के हम लोगों को काफी काफी अच्छा लग रहा है देख के कि कितना प्यार मिल रहा है आप लोगों से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पापा भी हैं यहाँ पे कॉल पे। शिल्पी जी हैं क्या? शिल्पी जी को लेते हैं। शिल्पी जी किस हैंड रेज कर दीजिए। शिल्पी जी
मेरे तो मैसेज का रोज संगीता डियर संगीता आता था, सही में बताऊं आज एकदम से सुन के इतना शौक लगा है, डेली मैसेज का जवाब मेरे को डियर संगीता से आता था भैया। बहुत बहुत मेरे को तो वो सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी। तीन दिन पहले इतनी लंबी बात हुई है। इतना कल मैं रोता नहीं जनरली, बहुत हिम्मत है मुझमें, लेकिन मैं बहुत कम आंसू निकलते हैं, लेकिन एक्सीडेंट आपका जब फोन आया तो मुझे कम से कम 10 मिनट तक मैं रोया हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे 10 मिनट तक मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे, अभी भी बंद नहीं हो रहे, मतलब उनका चेहरा मुझे इतना लगता है, नहीं तो मैं रोता नहीं हूँ बहुत, मतलब मेरे को कभी रुलाई नहीं आती है, बहुत कम आती है, तो बहुत क्या बोले। हम 4 दिन पहले की क्लिप अभी मैंने थोड़े देर पहले ही लगाई थी, आप लोगों ने देखी कि नहीं? है हमने पूरी पूरी देखी, वो हमेशा एनर्जी और उनके पास हमेशा धर्म के बारे में, आप लोग सब लोगों के बारे में, और एक सेल्फलेसनेस, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो उसका एक स्वरूप थी। और चलिए शिल्पी जी, एक मिनट इतना दुखद समाचार सभी के लिए है, पर ये जूम हम तो सिर्फ उनसे जूम में थोड़ी टाइम के लिए ही मिले हैं, मेरे को तो इतना उनसे प्रेम था, इतना लगाव था, पता नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ जब जूम में बैठे बैठे देखती थी इतना अच्छा लगता था, और उन्होंने भी मेरी भी 2-3 ध्यान सुने और इतनी तारीफ की, अभी विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे अच्छे लोग, कहते हैं जैसे गुलाब खिलता है तो गुलाब मुरझा जाता है, उस तरह वो थी, गुलाब खुला है, समय उनका आया चली गई, लेकिन अपनी सहानुभूति और अपना स्नेह हम सबके लिए जोड़ गई, इतना अच्छा ये भैया ने जूम बनाया कि जूम के लोग हमें सब परिवार के लोग ही महसूस होते हैं, जितना दुख हमें अपने परिवार सदस्य के जाने से होता है उतना ही दुख इस परिवार में भी जाने से होता है, ऐसा लगता है कि भगवान आप सबको उनके दुख को सहने की शक्ति दे और हम सबको भी सहानुभूति और शक्ति मिले कि हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, प्रभु उनकी शांति दे, आप सबको शांति दे, यही मेरी बात है। शिल्पी जी, इतना मैं तो इतना शॉक्ड हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं, अभी लास्ट टाइम कुछ 10-15 दिन पहले ही मेरी उनसे बात होती रहती थी, उनके फोन मेरे पास आते रहते थे रेखा जी के, तो मेरे बेटे के लिए बता रही थी कि उनके भाई के बेटे की बेटी है कि तो डायमंड मर्चेंट है, तो मैंने कहती थी मेरे पास तो सिर्फ 2 ही डायमंड है और मेरे पास डायमंड नहीं है, तो हंसने लगे, बोली नहीं मैं अगर आप कहें तो मैं बात करती हूँ, फिर वो बात खत्म हो गई, लेकिन बीच बीच में वो फोन करती रहती थी और बात करती रहती थी, इतना अच्छा इतना सौम्य नेचर उनका, और जिस तरीके से दीदी ने बताया कि वो हमारे कंप्यूटर थे पूरा, तो हम लोग सब उनकी प्रतिभा के कायल तो थे ही, तो अचानक से ऐसा लगा जब भैया ने क्लिप दिखाई तो पता नहीं क्यों ही हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और क्या कहूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो इतनी अच्छे थे, उनको भगवान जो है बहुत अच्छा स्थान देंगे, और उनके परिवार के साथ हम सभी की जो है संवेदनाएं हैं, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए हमारे साथ उनकी सुपुत्री शिल्पी जी, सबसे पहले मेरे साथ शिल्पी ही जुड़ी थी और शिल्पी का ओरा स्कैनिंग कर रही थी मैं, तो उन्होंने अपने मम्मी को भी जोड़ा था, मैंने ओरा स्कैनिंग प्रारंभ किया तो रेखा जी लीव कर गए, जब वो रेखा जी लीव कर गए, हम जब जानते ही नहीं थे रेखा जी को, हमने शिल्पी से कहा मम्मी आपकी मम्मी लीव क्यों कर गई, बोलो मम्मी पापा को आपके साथ बैठे कोई बात नहीं, आप उनके सामने पूछो, आपको जो भी पूछना जो भी बात है कोई बात नहीं, वो तो बोले हम रह सकते हैं क्या, रेखा जी कहने लगी, बोली क्यों नहीं रह सकते आप साथ में रहो, हो रहा स्कैनिंग हो रहा है तो साथ में बैठी, और उस दिन से जो साथ में बैठी तो आज तक रेखा जी साथ में ही बैठी रही, उन्होंने फिर कभी झूम छोड़ा ही नहीं, शिल्पी जी ने अपनी मम्मी को अमेरिका से इंडिया के लोगों को जोड़ना, अपनी मम्मी को शिल्पी जी ने, हमारे साथ शिल्पी जी भी है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, अर्चना दीदी और विनय अंकल, आपने मेरी मम्मी के लिए, मैंने तो जैसे आपने कहा था मैं निमित्त थी, मुझे भी किसी ने जोड़ा ही था आपसे और मैं मेरी मम्मी के लिए निमित्त बनी थी, बट मुझे ये पता है कि जब से आपसे वो जुड़े थे मेरी मम्मी का, जैसे आपने बोला जीवन में बहुत उनके बदलाव आ गया था और इतनी शक्ति आ गई थी और इतनी पॉजिटिविटी थी उनके जीवन में, और यहाँ पर भी यूएस आई थी, उनकी जो पाठशाला से जो उनको मिलती थी, आई थिंक उनके
पाठशाला शायद ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि बचपन से जब से मैं हम लोग हम तीनों भाई बहन पढ़ के यूएस आ गए, उनको था कि बस पढ़ाना है मुझे। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि धर्म पढ़ाऊंगी या कैसे, बट उनको ये था कि बस मुझे पढ़ाना है, शिक्षा देनी है। तो वो काफी आई थिंक नोएडा में रहती थी, तो पार्क में जाके लोगों को, कुछ बच्चे जो ऐसे ही आसपास के होते थे उनको भी पढ़ाती थी, क्राफ्ट करा देती थी। बट ये आईवीएस के पैंडेमिक में उनको जब से ये मिला तो उनके जीवन में एक ऐसा आ गया कि उनको धर्म भी मिल गया और उनका शिक्षा कराने का जो उनका बचपन से सपना था कि मैं ये पढ़ाऊं, ये दोनों मिल गया। और मैंने अपनी मम्मी को पिछले वो दिसंबर में यहाँ पर आई थी, 6 महीने के लिए आई थी। उसके बाद जब जाने का बस जा ही रही थी कि उनको ये डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से उनकी जो भी जर्नी थी मैंने देखी है। अर्चना दीदी, मैंने तो खुद भी आपके सेशन शुरू में पैंडेमिक में अटेंड किए हैं, और आपने सही कहा मम्मी को, फिर मुझे लगा कि मम्मी वहां पर पैंडेमिक में, मम्मी पापा अकेले हैं, हम तीनों यहाँ पर थे, तो मैंने कहा मम्मी आप भी क्यों नहीं ज्वाइन कर लो, ये तो जूम है और आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे अभी भी याद है पहले दिन जब उन्होंने ज्वाइन किया तो सुबह सुबह शांति धारा और ये सब देख के उन्होंने कहा कि मैं ये पहले क्यों नहीं कर रही थी, मैं इतनी खुश हो गई थी कि मुझे पहले से क्यों नहीं पता चला कि ये सब है। तो बस मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अभी कुछ पता नहीं है कि कैसे हो गया, और बस पता है कि बहुत खुश में गई। और आंटी हम अर्चना दीदी हम लोग आपको भी याद कर रहे थे कि समाधि मरण, बट हमने मम्मी को समाधि मरण अंत में कम से कम अंत तक वही सुनाया है, और हमने सोचा भी आपको करें बट आप लोगों का रात हो रहा होगा, हमने आपको इसीलिए नहीं किया, बट हमने उनको अंत में समाधि मरण करके सुनाया है। और हमें लगता है कि बहुत ही शांत भाव से, समता भाव से, और देवगति में हो या फिर समोशरण सीमंदर स्वामी के समोशरण में, वहीं पर आस पास उनका जन्म हो, बस यही मेरी इच्छा है और यही मेरी भावना है कि मम्मी जहाँ भी गई। ऐसे मौके पे, ऐसे मौके में मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी संकोच ना करे, रात हो दिन हो कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं तो फोन उठा ही लेता हूँ। आप बिल्कुल भी कोई भी संकोच ना करे, और ऐसे चांस किसी के साथ भी कभी आते हैं तो जरूर से जरूर हमें कॉल करे, उस समय हम रात दिन नहीं देखते हैं और आपके साथ हम भी उसमें सहयोगी बनते हैं। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल कहीं कभी भी दिन रात का मत सोचा करिए, जरूर से जरूर हमको कॉल करके आप बोल सकते हैं। पेंडेमिक में तो रात भर भी कॉल हम लोग अटेंड करते थे अमेरिका से, रात नहीं अभी भी करता हूँ मैं तो, रिटर्न कॉल लगा लेता हूँ, रात को 2 बजे भी कॉल अटेंड करता हूँ, तुरंत ही उठाता हूँ। चलिए जैन साहब, थोड़ा सा आपसे 2 मिनट कुछ कहना चाहूंगी शिल्पी जी। ये एक अपना ऐसा परिवार तैयार हुआ है आईवीएस का, जोम के द्वारा, जिसका हम जितना भी आभार प्रकट करें उतना कम है। और अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आंटी की जगह खाली हुई है उसको आप फिल करें, आपकी फैमिली फिल करें। सिर्फ अंकल एससी जैन भाई साहब और रेखा दीदी ही हमारे मेंबर थे, लेकिन अब वो खुद गए हैं, लेकिन 5 को छोड़ के गए हैं। उनकी जगह को आप इस तरह से फिल कर सकते हैं कि हमें भी लगेगा कि हाँ वो अभी भी हमारे साथ मौजूद है। और उनका बहुत मन था कि मैं आपकी बार दिल्ली आऊंगी, इंडिया आऊंगी, दीपा तुमसे जरूर मिलूंगी, मुझसे बहुत हम मुझसे क्या वो आईवीएस की हर किसी एक मेंबर से बहुत स्नेह करती थी। चांस की बात है हम पास में रहकर भी कभी मिल नहीं पाए, जब भी हमारी प्लानिंग हुई मिलने की तो वो रह गया, मिस हो गया। और मेरे को इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं उनसे इतनी पास रह के भी फेस टू फेस कभी नहीं मिल पाई, हालांकि हमारा इतना अच्छा संबंध, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कभी नहीं मिले। इतना प्रेम, इतना स्नेह उन्होंने हमें दिया। और आप इस चीज के लिए संकोच नहीं कीजिए कि रात हो गई, दीदी और भैया तो हमेशा रेडी हैं ही सबको सर्विस देने के लिए, डेडिकेशन इतनी है। हम में से भी कोई मेंबर ऐसा आपको नजर आता है किसी का फोन नंबर, आप जब भी कॉल करेंगे हमारा आईवीएस, मैं गारंटी देती हूँ कि आईवीएस के सारे मेंबर्स इतने डेडिकेटेड है, आपका फोन तुरंत उठाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी की जो जगह खाली हुई है वो आप और भैया पूरा करें, और उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें खुशी होगी कि उनका परिवार हमारे साथ है, और हम आज भी दीदी आप उनकी आपके रूप में हमारे साथ मौजूद। थैंक यू, मेरी बहुत था दीदी, मम्मी तो सितंबर में जाने के लिए वो विद्यासागर जी महाराज, आपने उनको बता दिया था नागपुर के पास ही हैं, तो वो तो
यही बोल रही थी कि मेरा तो अब ये प्लान हो गया, मेरा तो बहुत था कि जाऊंगी तो मिलूंगी, और ये तो कैसे बन रहा है कि वो तो नागपुर में ही आपने बताया, तो इतनी खुश थी कि आपसे भी मिलूंगी और विद्यासागर जी महाराज के पास भी। कि भैया इस बार आऊंगी तो मैंने बताया था कि विद्यासागर महाराज के भी दर्शन हम आपको करवाएंगे, आप आइए जरूर। तो बोले सेप्टेम्बर या अक्टूबर में आ रही हूँ तो मैं अपन वहाँ जरूर दर्शन के लिए चलेंगे। चलिए जयंत साहब दो मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, हिम्मत है तो थोड़ा सा बोल सकते हैं तो जयंत साहब। हाँ, अंकल मेरा छोटा भाई अमित है, वो भी आके वो कुछ बोलना चाहता है। हाँ अमित भाई बोले हैं, अमित भाई तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद को इतना सम्मान और इतना ट्रिब्यूट देने के लिए। मुझे विश्वास है वो कहीं ना कहीं इस बात को सुन रही होंगी और बहुत खुश हो रही होंगी ये सुन के कि हम लोग जो उनके बारे में बोल रहे हैं, उनको जो सम्मान दे रहे हैं, उनको इतनी ऊर्जा मिलती थी इस पाठशाला से, मैं बता नहीं सकता। जिस समय भी मैं मिलता था वो इस पाठशाला के बारे में बोलती थी, इन बच्चों के बारे में बोलती थी कि आज उनके लिए मैं ये करूँगी, आज ये बनाऊंगी, मुझे ये बता दो कंप्यूटर ये कैसे करते हैं, जिससे कि मैं उनको एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाऊँ, उनको एक अच्छी एंगेजमेंट दे पाऊँ जूम में। तो उनको इतनी ऊर्जा मिली और उससे 10 गुना ऊर्जा वो और लोगों को देती थी और इस पाठशाला में देती थी। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, हम ये सब सुनने को मिल रहा है हमें, और मुझे इस बात का वो रहेगा कि मैं कभी ये पाठशाला नहीं ज्वाइन कर पाया और सुन नहीं पाया उनको लाइव, बट यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियोस हैं मैं उनको आज मैं सुबह देख ही रहा था एक पूरा वीडियो, और उस वीडियोस को देखूंगा, पूरा सुनूंगा, और ये चाहूंगा कि उनकी लेगेसी कंटिन्यू रहे, उनका ये इससे संबंध जारी रहे और लोग उन्हें याद रखें कि वो किस तरह की महिला थी, किस तरह की ऊर्जा देती थी, किस तरह से सब लोगों को खुश रखती थी और अपने लिए कुछ नहीं रखती थी, सब न्योछावर करने पे ही विश्वास रखती थी, किसको कितना दे दूं, किससे ज्यादा दे दूं, वही उनके मन में भाव था, समर्पण था, बस इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही बोला अमित जी ने, बिल्कुल सही बोला कि समर्पण था। जो भी स्पिरिचुअल लोग रहते हैं इनका ऐसा ही रहता है, अर्चना का भी ऐसा ही रहता है, और जो स्वाध्याय करते हैं तो, और जो स्वाध्याय खुद करके फिर दूसरों को देते हैं तो वो बहुत अच्छा देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना ज्यादा दे दूं, यही भाव रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत समर्पण। और रात में कहती थी मैं तो स्वाध्याय करती हूँ, जैन साहब से कहती थी मैं कर रही हूँ, आप सो जाइए, 11-11, 12-12 बजे तक दीदी बोले मैं स्वाध्याय करते रहती हूँ। इनको इतनी लगन स्वाध्याय की लग गई थी, जिसके अंदर इतनी लगन है तो हर समय वो सोचो उनके परिणाम वो अपने आप स्वयं संभाल रही थी, और इतने अच्छे परिणाम से जब वो गए है तो निश्चित ही है कि अभी वो देवगति में है और हमारा झूम वहीं से वो अटेंड कर रहे हैं इंद्र बन के और हम लोग को सुन रहे हैं। ओम अरम नाम से जुड़े हैं, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ओम अमित भैया से एक बात कहना चाहूंगी, अमित भैया ने कहा कि मैं उनकी पाठशाला अटेंड नहीं कर पाया, वो तो जीवंत पाठशाला थी, और आप जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ये उन्हीं के संस्कार हैं, जो आज आप इतनी बातें कर रहे हैं ये उन्हीं के संस्कार हैं। आप ये मत कहिए कि आपने उनकी पाठशाला, आपने तो उनकी पाठशाला को जिया है, बहुओं ने भी। दीपा जी वो क्या कहते थे, रेखा जी एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, बोली मेरी बहुएं कह रही है कि हमको भक्तांबर सीखना है, मतलब अमेरिका गए और जो उनने देखे कि झूम पे जुड़ना, पाठशाला, ये चीज देखने मात्र से बहुओं के मन में भक्तांबर सीखने के भाव आए। तो बहुओं ने की, वो बोले बेटा नहीं सीखेगा क्या, रेखा जी ने की, तो उनके बेटे ने तुरंत उत्तर दिया है कि मैं भी साथ में सीखूंगा। अब बताइए आप लोगों में भी इतनी भक्तांबर के प्रति ललक कि हम भी भक्तांबर सीखेंगे, ये बात जब उनने मुझको बताई तो देखिए कैसे ये मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहा है भक्तांबर उनके पास। और अपनी बहुओं के वो बहुत तारीफ करती थी, मुझे भी सिखाती थी कि तुम भी ऐसे ही ढूंढना, इस तरीके से करना, बहुत ज्यादा तारीफ करती थी अपनी दोनों बहुओं की। बोली मैं एकदम एडामेंट रही थी कि मुझे बस यही करना है फाइनल, तो कह रही थी कि तुम भी ऐसे ही करना, बहुत टिप्स देती थी मुझे वो। हाँ वो उन्होंने भी बताया था कि भक्ता, तो बहुत दुख था अमन की शादी में मैं नहीं आ पाई, तो मैंने भी देश की शादी में जब भी करूंगी आपको इतना दुख है
जब आप इंडिया में रहोगी। जब शिखर जी का हमारा पहला सम्मेलन होना था तब उन्होंने टिकट करवाई थी हमारे साथ कि मैं आपके साथ तो चलूंगी दीपा, पर बिल्कुल पता नहीं लास्ट मोमेंट पे उनको क्या हुआ, कहते दीपा मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, थोड़ी तबियत मुझे हेल्थ नहीं अलाउ कर रही तो मैं नहीं आ रही हूँ, नहीं तो उनको हमारे साथ ही आना था। महावीर जी का भी उनकी बहुत इच्छा थी। ओम आराम नाम से कोई जुड़े हैं वो बोल सकते हैं, और जिनको बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली पापा। हाँ पापा बोल पापा। जय जिनेन जय जिनेन साहब जय जिनेन जय जिनेन। समाचार तो सभी लोगों को मालूम है लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं मैं भी जुड़ता था उसके साथ साथ, और जुड़ता के साथ साथ क्या था कि मुझे भी प्रेरणा मिल जाती थी कि मैं भी साथ बैठता, और उन्होंने ही मतलब तो घर में भी लगाया। ये जो आपने बताया कि भव्य और बेटे सीख रहे हैं तो उनके बच्चे जो छोटे हैं वो छठा श्लोक पहला श्लोक दूसरा श्लोक वो सब सुनाते हैं, अगर उससे हम कहते हैं पोएम सुनाओ तो वो श्लोक सुनाती है बहुत तो ये, और अमेरिका में चूंकि उसको हिंदी में नहीं आता तो उसको अंग्रेजी दी है लिख के कि जिससे कि उससे प्रोनाउंस करके वो आसानी से पढ़ सके, तो ये तो उनकी बात है। लेकिन ये आज आपने जो श्रद्धांजलि सभा रखी है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए रखी। लेकिन यही है कि उनको एक, मैं तो इस बात में बल्कि कई बार नाराज होता था कि भाई ये सुबह से रात तक एक ही काम रह गया, कोई काम ही हो रही नहीं, मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो भी रात को 12-1 बजे तक ये काम कर रहे हैं कि अभी अभी भी जो एनुअल फंक्शन करना था उसके 2400 भगवान के 2400 चिन्ह उन्होंने खुद अपने हाथ से ड्रॉ करे और उसमें डाले हैं ग्रुप में, जिससे कि बच्चे उसे देख देख के बना सके या उसका वो फोटो ले, और लेकिन अपने हाथ से खुद ड्रॉ करें 24 के 24 और रात को करें। बहुत जितना डेडिकेशन बहुत गजब का, एक डेडिकेशन है, और मैं इतना जरूर चाहूंगा जो आप पाठशाला उसको जब कंटिन्यू कराएं इसमें डेडिकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे धर्म सीखना नहीं चाहते, आज के बच्चे कहीं के भी हो उनको जब इसमें लगाना पड़ता है तो तब उनको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना कि जिससे वो जुड़ जाए। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे जो माँ बाप से कहते थे क्लास शुरू होने वाली जल्दी चलो हमें तो उसमें बैठना है, तो ये ललक ये सब तब पैदा होगी जब उनमें कुछ इंटरेस्ट आए। तो वो जो पढ़ाती थी कि उनको उन्होंने एनिमेशन फिल्म दिखा दी, अब उसमें बच्चों का मन, लेकिन ये नहीं थे कि वो खाली फिल्म रह जाए, उसके ऊपर उनसे सवाल पूछती थी जिससे कि बच्चे ध्यान से पूछे कि भाई इसमें सिंह था, सिंह का क्या नाम था, राजा का क्या नाम था। तो ये जो क्लास जो भी कोई चलाए तो उसको कम से कम इसमें डेडिकेशन, उन बच्चों के पर्सनल माँ से, माँ को सबको जानती थी, सबको पर्सनल फोन करती थी, अगर कोई बच्चा नहीं आया तो उसको फोन करना कि भाई आपकी तबीयत तो खराब नहीं थी आपके बच्चे की, आज नहीं आ पाया, क्या बात हो गई। तो इसमें डेडिकेशन से अगर करेंगे तो ये शायद पाठशाला बिल्कुल कंटिन्यू करेगी और अच्छे ढंग से, यही मेरी एक। और आप लोगों ने जितने भी देखिए उनके बनाई हुई पिक्चर में हम दो में डाल रही हूँ, उनकी जो 24 तीर्थंकर के चिन्ह बनाए हुए वो हम दिखाएंगे अभी, दिखाएंगे आपको, अभी आपको बताएं। मैं पता नहीं कैसे आज मैं सुबह उठी और वही मेरे मोबाइल में खुला वही पिक्चर जो रेखा जी ने बनाई, और मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये रेखा जी ने बनाई है, मैं बोली कैसे मेरे पास पिक्चर आए हैं, मैंने कुछ ग्रुप का नाम नहीं देखी कुछ भी नहीं, सुबह सुबह बेटे का फोन आया जब मोबाइल उठाई तो पहले वही खुले जो रेखा जी ने पिक्चर बनाई है। अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं, देखिए अपने हाथों से इतने सुंदर ड्रॉ करे हैं, और समय मिलते ही जरूर वो कलर भी भरते थे इनमें, उन्हें टाइम नहीं मिला, ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया, नहीं तो वो कलर भी करते थे इसको बहुत। एक या दो में कलर करते हैं। हाँ, कलर एक में स्वस्तिक वाला मैंने देखी थी जिसमें कलर भरा था, स्वस्तिक में एक और है, हाँ एक दो में कलर भरा है, और मैंने अभी अभी देखे थे घर पे रखे थे। हमारे लिए बिल्कुल ल्यूम की कंप्यूटर थी जो मैं पढ़ाती, मेरे बाद में वो 2 मिनट में पूरा का पूरा बोल के वैसे बता देती। हाँ नीलिमा जी 2 मिनट बोल, नीलिमा जी शांत हो जाइए, भगवान उनके पूरे परिवार को भी शांति प्रदान करे।
उन्होंने जब मुझे बर्थडे का विश किया था ना, मैं बहुत खुश थी और ऐसे लग रहा था वहां से जो नहीं बोल पा रही हूँ मैं। नहीं, मेरे हर कोई बहुत दुखी है। रोज जी नहीं, अभी शब्द ही दिए बोलने के लिए, इतना प्यार दिया है ग्रुप में। ग्रुप में उनका आते ही इतना पूरे लोग इतने हर्षित हो जाते थे कि सब इतना डिटेल में बताते, जो भी सेशन में हुआ है उसका पूरा डिटेल वो एक्सप्लेन कर देती थी। उसको इतना बोल नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा कुछ। चलिए, बहुत बढ़िया। सरोज बाला आंटी जी, रेखा जी को मैं पर्सनल तो कभी मिली नहीं और ना ही मैंने कभी उनसे फोन पे बात की, लेकिन मेरी पोती अनायशा उनकी बहुत प्यारी स्टूडेंट है तो बहुत तारीफ करती थी अनायशा की। अनायशा की भी अभी नानी का देहावसान 6 महीने पहले हो गया था, तो आजकल पाठशाला में नहीं बैठ पा रही थी, तो उनका बार बार SMS आता था, क्या हुआ अनायशा, आप क्यों नहीं आ रही है पाठशाला में। अनायशा भी वो जो बोलती थी उनकी बात तुरंत मानती थी। हम लोग उसे कहते थे कि ये सुना वो सुना, तो हमको नहीं सुनाती थी, लेकिन रेखा दीदी से इतनी अटैच हो गई थी वो कि वो जो बोलती थी वो बोलने के लिए तैयार हो जाती थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है रेखा जी के लिए, इतने अच्छे लोग हम लोगों को मिले और इस तरह से छोड़ के चले जा रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी उनके जैसे ही धर्म के मार्ग पे अर्चना दीदी के कारण ही लगी, मुझे धर्म में कुछ भी नहीं आता था। अर्चना दीदी ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर की मेंबर थी। हम मिले नहीं उससे कभी भी, ना मैंने उनसे कभी फोन पे बात की। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप सभी लोगों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ मैं भगवान से। संतोष जी, रेखा दीदी पूरी मेरी बहन थी, मतलब पूरी बहन की तरह मुझे बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। संतोष जी बोलिए। रेखा आंटी मेरी बहन की जैसे थी, जब भी मैं कोई मंदिर में भी कुछ करती थी तो उनसे ही पूछती थी, उनसे फोन करके, दीदी मैं क्या करूं, दीदी ये बताओ, दीदी ऐसे करो, पूरा उनको बताना करना सब वही बताती थी मुझको। और जो मैंने क्लासे लगाई वो भी उन्हीं की उससे लगाई थी, मतलब हर चीज पूछना तो तुरंत बताती थी, नहीं संतोष जी आप ऐसे करो, मतलब तुरंत फोन उठाना। वहां पर अमेरिका होने में भी और बहुत ज्यादा मेरा ध्यान रखती थी, वो मोटिवेट करती थी, संतोष जी ऐसे नहीं, ऐसे करो, आप ये चित्र बनाओ, आप ये बनाओ, ऐसे। आंटी को बहुत बहुत उनको आत्म शांति हो, मैं यही कह सकती हूँ, उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा, मतलब मेरा फोन इतनी जल्दी उठाना दीदी, मतलब ट्रेन जो चली उसमें, ट्रेन में भी मेरा और सीमा जी का सबसे पहले नाम करेगा, बताओ उसने मूछ। भैया म्यूट है। अनुपमा जी आ जाइए 2 मिनट के लिए, होस्ट हमने बना दिए हैं, आप अपने शब्द व्यक्त करिए। उनके भी बच्चे दोनों, अनुपमा जी हमारी दुर्गापुर सेंटर की हेड, उनके दोनों बच्चे रेखा जी के इसमें जुड़ते थे और पार्टिसिपेट भी करते थे हर प्रोग्राम में, बहुत अच्छे से दोनों बच्चिया। तो वो कह रही कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, बोलते हैं उनको बहुत दुख है, बहुत दुख है, वो बहुत रो रही है, तो वो वीडियो बोल नहीं पाऊंगी। हाँ अनुपमा जी 2 मिनट बोल दीजिए। सभी को सादर सहजनी, रेखा आंटी की अपूर्णीय क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, वो बिल्कुल एक हीरा थी, उनके अलावा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगी। उन्होंने जिस प्रकार से पाठशाला को संभाला था, सभी बच्चों को संभाला था, इतनी डेडिकेटेड थी। मेरी उनसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई है, उन्होंने बोला था मैं आने वाली हूँ, मैं शिखर जी आऊंगी, अनुपमा मैं तुम्हारे पास रहूंगी 2 दिन। मेरी बिटिया बाहर से आई हुई थी, उन्होंने मुझे स्पेशली फोन किया
कि तुम उसे जोड़ो, मैं अलग से उसे सिखाऊंगी। उसने मेरे से कुछ पूछा था, मुझे उनको पता है, मेरे मन में वो बात है। प्रोग्राम के लिए इतनी डेडिकेटेड थी, मेरी 3 दिन पहले भी उनसे बात हुई है कि अनुपमा ऐसे करना है, तुम ये वाला ऑडियो मुझे भेज देना, ये वीडियो भेज देना, मैंने तुम्हें चिन्ह बना के भेज दिया है, बिटिया ना बना पाए तो फोटो कॉपी निकाल लेना। आंटी के लिए कुछ भी बोलना संभव नहीं है। बहुत 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 अमूल्य हीरा थी जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया था, और IVS के माध्यम से हमने उन्हें जाना, हमने उनको देखा। वो सबसे इतना प्रेम करती थी और उनसे भी सब बहुत प्रेम करते थे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहे और उनके परिवार सभी को साहस दे, और वो हमेशा उनको अपने बीच में महसूस कर सके। रेखा आंटी, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे और आप हमेशा हमारे पास रहोगे। चलिए अनुपमा जी, बहुत भावुक हैं, और एक्चुअली में होना भी चाहिए, क्योंकि अनुपमा जी को भी वो बहुत अच्छा अपना मानती थी, और अनुपमा जी की दोनों बेटी ने बहुत संस्कार उनसे लिए हैं। चलिए इसके बाद देखिए, मैं हम शेयर करता हूँ थोड़ा सा, शेयर करते उनके बनाए हुए पिक्चर देखिए, शेयर करते हैं। देखिए ऐसे पिक्चर वो बनाती थी, ये देखिए फोटो डाली, वो दिखा देखिए, ये फोटो रेखा, फोटो देखिए रेखा जी की, सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे भावों के। देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी भक्तांबर की बुक, रजिस्टर, पहले स्वयं तैयारी करना ही पड़ता है। जब हम कोई अच्छा चीज प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम देख रहे हैं रेखा जी की पिक्चर में, कि कितने उनके पास कितना डेडिकेशन, ऐसे चित्र बनाती थी। अब ऐसे चित्र कोई स्कूल का बच्चा भी नहीं बना पाएगा। इन्होंने आदिनाथ जी का बैल, ये देखिए संभवनाथ जी का घोड़ा, ऐसे चित्र बना के अपने पास रखा था, और फिर वो पाठशाला लेती थी। ये देखिए, ये ऐसा स्वयं अपने इतनी मेहनत वो खुद ही करती थी। इतना समय दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में रह के इतना समय, इतने संग प्रेमनाथ जी का सर्प, महावीर स्वामी का सर्प, ये चित्र हमें 4 दिन पहले की बात है, तब रेखा जी ने हमारे पास भिजवाया था। प्रमोद जी प्रमोद जी, आपने उस समय बोला था तो सुन नहीं पाए। दीदी का मैं भी सुनता था, दीदी के जब भी मौका मिलता था, छुट्टी आते आते भी मुझे दीदी की कानों में आवाज पड़ती ही थी, और कई बार वैसे भी बात हुई प्रज्ञान के विषय में भी बात, भाई साहब से तो रेगुलर बात होती ही थी। तो मैं कहता था कि मैं क्योंकि भाई साहब से ऑफकोर्स में डेली बेसिस पे व्हाट्सएप एक्सचेंज होता है, और 3-4 दिन से रिप्लाई नहीं आता, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, कभी ऐसा होता नहीं था, और 10-15 दिन में उनका फोन भी आ जाता था, काफी दिन से फोन में बात भी नहीं हुई। तो लेकिन ऐसा आशंका हमने नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ होगा, जो भी हुआ क्योंकि इतनी बड़ी आत्मा है, इतना जल्दी जाना तो बिल्कुल हमारे सबके लिए दुख का विषय है। हम यही चाहते हैं भगवान बस उनको अपने चरणों में जगह दे, और निश्चित तौर पर ही यात्रा भव्य आत्मा थी तो अच्छे स्थान पर ही जाएगी, देवलोक पे जाएगी, और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद, शांति जय जिनेन्द्र। सबको IVS के पूरे परिवार को सुनकर बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। और उनका मैं जब भी प्रोग्राम देखा तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पोते को भी यही पाठशाला में ज्वाइन करूंगी, अभी वो छोटा है, तो मैंने बोला मैं आगे उसको यही पाठशाला में उनके साथ जोड़ूंगी। बहुत अच्छे लगते थे उनके प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम देखते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम कंप्यूटर माइंड है उनका, मतलब कोई भी देखते, कोई ड्रॉइंग वगैरह देखते, बहुत अच्छा लगता, उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति मिले, यही आगे नहीं बोल पाती। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। हमारे ट्रस्टी प्रमोद जी ने अपने विचार व्यक्त किए, अजीत जी भी जुड़े हुए हैं, अजीत जी जुड़ गए हैं, तो अजीत जी जुड़ गए हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए अजीत जी, मैं को-होस्ट बनाया आपको। अजीत जी हैं, ये भी हमारे IVS के डायरेक्टर हैं, तो ये भी अपने विचार व्यक्त करेंगे।
प्रमोद जी ने किया, और आराम नाम से जुड़े हैं वो यदि बोलना चाहते हैं तो हमें बताएं, हैंड रेज कर दें ओम आराम नाम से। हाँ अजीत जी, अजीत जी देखिए पूजन करके आ रहे हैं अभिषेक पाठ करके। हाँ अजीत जी, अजीत जी जी, मैं दो तीन दिन से फोन लगाया था आप। अच्छा, नहीं अभी सुबह सुबह दो तीन बार लगाया, आप मंदिर में रहे होंगे। मंदिर में, मंदिर में। कल रेखा जी का थोड़ा सा देह परिवर्तन हो गया कल सुबह। किनका? रेखा जी अमेरिका। अच्छा। हाँ पता नहीं होगा तो, आप मंदिर में थे आपको पता नहीं होगा। हाँ मेरे को पता नहीं। हाँ अमेरिका से। चलिए तो दो मिनट अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो आप बाद में कर दीजिए। बहुत ही दुखद समाचार, और अचानक ही देह परिवर्तन होना हमारे लिए भी बहुत क्षतिपूर्ति हुई है, लेकिन संसार का संयोग है और जो आया है वो जाएगा ही, और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए हम आज में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवार को इसका विशोक प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें। हम सभी IVS अध्ययन उनके साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए थे और बहुत समय से उनकी बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। अचानक उनका देह परिवर्तन होना हमारे लिए बहुत बड़े बहुत रिक्तता पैदा करेगा, लेकिन अब संसार के संयोग को हमको मानना ही पड़ेगा। हम सभी भगवान से उनकी सदगति करते हैं। अजीत जी प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में, मंदिर जी में प्रेजेंट हैं, वहीं से आप उनके लिए शांति की कामना करिए अजीत जी। हाँ संगीता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? संगीता जी यहाँ, ये तो देखो सुनकर के स्तब्ध रह गए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, और मेरे को तो सबसे ज्यादा इनका मोटिवेशन मेरे से संगीता डियर जय जिनेंद्र, मेरे लिए शायद कल परसों भी मैसेज आया है, मैं डेली मैसेज करती थी जय जिनेंद्र का, और उसका इतना प्यारा रिप्लाई आता था कि आज विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में है। पर प्रकृति का नियम है, प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को अपने शरण में ले, शीघ्र जन्म से मुक्ति पाए, इस पथ पर चलिए, तो अपना जीवन आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ाएं वो, और सबको स्टैंड करने की क्षमता दे सभी। अनिला गंगवाल जी जय जिनेन्द्र भाई सर, उनका प्रोग्राम जब पाठशाला का प्रोग्राम हुआ था तब मैं आखिर तक जुड़ी हुई थी, तब मेरे से भी उन्होंने बात की थी, वो इतने बोले अनिला गंगवाल आप जुड़े हो क्या? मैं बोले हाँ दीदी शुरू से देख रही हो, बहुत दुख लग रहा है उनकी बात सुनकर, बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं हो रही, आंखों में से आंसू आ रहे, इतनी अच्छी लेडी थी वो, क्या बोलो उनके लिए, उनके आत्मा को दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे प्रभु, चरण के पास यही आप यही मांग रही हूँ कि भगवान उनको जहां भी रहे शांति दे। चलिए अंजू जी जय जिनेंद्र सभी को, भैया जी जय जिनेंद्र, बहुत दुख हुआ रेखा जी के बारे में सुन के, तो ऐसा लग रहा था जब उन्होंने कहा कि मैं सितंबर में आऊंगी दीदी, अभी 10-12 दिन पहले ही बात करी थी, तो हमें तो ऐसे लगता था जैसे वो आएंगी, और मुझे तो अंदर से इतनी खुशी हो रही थी बता नहीं सकते, एकदम सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करे, लेकिन यह उनकी जो भी हुई है उससे हमें एक शिक्षा जरूर मिली है, काल का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, हमें अपना मन अपने विचार हमेशा शुद्ध रखने चाहिए, राग द्वेष कम से कम करना चाहिए, भैया शिक्षा वो हमें जरूर देके गए हैं कि काल हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्या पता किस टाइम कब आ जाए, ये शिक्षा हमें आज बहुत बड़ी मिली है, एकदम मंदिर से आए एकदम इतना धोखा लगा, बहुत ज्यादा धोखा लगा, उनकी तो जितना भी कहे उनके लिए विचार बहुत कम है, एकदम से सारा दीदी का पढ़ाया हुआ एकदम से ऐसा बता देती थी एक एक अक्षर को, जैसे क्या उन्होंने कंप्यूटर में ही
डाल लिया है, उनके लिए क्या कहे, भगवान उनके सभी परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। और वो जहाँ भी जाए अच्छे उसमें जाएंगी, क्योंकि उनका इतना भाव, इतना धर्म में ध्यान था और सब हमेशा मन में यही विचार चलते रहते थे। सभी मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आईवीएस के पूरे उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि हो। उनके पूरे परिवार को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया। सुधा जी, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मैं तो रेखा जी से कभी बात भी नहीं की थी, मैं तो जूम में ही देखी उनको हमेशा, पर उनके बोलने का तरीका, इतना मीठा बोलती थी, इतना अच्छा सब चीज याद करके तुरंत रिपीट कर देती थी, उनको मैं सुनती थी हमेशा। मैं तो कभी उनसे पर्सनल बात नहीं करी, कभी पर्सनल उनसे मिली नहीं, लेकिन भगवान की आत्मा को शांति दे। और ये तो प्रकृति का नियम है, कोई आता है तो कोई जाता है, किसी का समय कभी भी आ सकता है, कोई पता नहीं। भगवान अच्छी गति में गई होगी, उनके स्वभाव ऐसा अच्छा था, गई होगी भगवान की आत्मा। चलिए चलिए, हाँ हाँ। मंजू जी जैन जयपुर। जय जिनेंद्र भैया। कोरोना के समय जब हम रेखा जी से जुड़ते थे, मुझे तो आज पता लगा, तो इतना अच्छा बोलते थे दोनों जैन भाई, एक साथ बैठ करके इतना बढ़िया भक्त अमर जी को रिपीट करते थे तुरंत। बहुत ही दुख हुआ उनके बारे में सुन करके, मैं भी खोल करके बैठी थी, मैंने कहा क्या हो गया, कैसे किसकी क्या हो गया, तो देखा पता लगा कि रेखा जी का बहुत दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे, सारे घर वालों को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। जय आदिनाथ भगवान। जय। चलिए, हमारे साथ हमारे आईवीएस की मीडिया डायरेक्टर रितु जी जैन है। रितु जी जैन कोलकाता आईवीएस की मीडिया डायरेक्टर, तो वो अपने विचार व्यक्त करेंगी। रेखा जी से वो भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। रितु जी जैन। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सडनली कुछ सुनना कितना बड़ा आघात, और वो भी उनके बारे में, जिनके मतलब उनका चेहरा तो ऐसे घूम रहा है, इतनी डेडिकेटेड लेडी, और मतलब वो हमारे आईवीएस परिवार की माँ समान थी। मतलब हमेशा बेटा बेटा करके, बेटा ये इसमें जुड़ जाना, ये प्रोग्राम हो रहा, अपने प्रोग्राम के प्रति इतनी डेडिकेटेड रहती थी, और सबको इतने प्यार से प्रेम से बात, उनका मधुर आवाज उनके हमारे कानों में गूंज रही है। अभी अचानक से दीदी का फोन आया कि जुड़ो रेखा आंटी ने, मैं सुन के एकदम सॉफ्ट हो गई। ये क्या हुआ है, अभी तो कुछ दिन पहले तो उनसे मिले थे हम लोग अपने जूम पे प्रोग्राम में, अचानक से, पर आना जाना जीवन का खेल है। और मतलब माँ को खोना कितनी बड़ी क्षति होती है, वो हमारे माँ के समान थी, उनका चेहरा अभी भी हमारे आंखों के सामने में घूम रहा है। कुछ नहीं बोलना चाहूंगी उनके उनके बारे में, मतलब बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, और जरूर ही वो सदगति को प्राप्त हुई है, क्योंकि उनके अंदर जो करुणा प्रेम और धर्म के प्रति इतनी डेडिकेटेड, सभी चीज के प्रति इतनी डेडिकेटेड रहती थी, ऐसी दिवंगत आत्मा को जरूर ही सदगति प्रदान हुई होगी। अंकल को सहन शक्ति दे भगवान, और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और सभी सही बोल रही थी अभी एक आंटी की, भाई इनसे हमें सीखना चाहिए कि कब काल कब हमें मतलब बुला लेता है, कह नहीं सकते हैं, तो हमेशा हमें अपने कर्म को सुधार के चलना चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। सभी को जय जिनेंद्र। रेखा आंटी को शस्त्र श्रद्धांजलि, और दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान, यही हमारी भावना। सभी को जय जिनेंद्र। नमिता पारिक जी। नमिता पारिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे सेंटर हेड हैं। रितु जी आ रहे हैं सर। हाँ रितु जी को भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। जय जी। बोलने के लिए शब्दों को जुटा पाना, गुलदस्ते में से इतने फूल है गुलदस्ते में कि हर फूलों की कीमत और सुगंध उनके द्वारा ही महसूस हुई। सही में भैया, रेखा दीदी से मैंने
सबके मुंह से सुन रहे हैं कि उनसे हम बात करते थे, उनसे हम हमसे भी वो बात करती रहती थी, बोलती रहती थी, और इतने अच्छे शुभ विचारों में बहने वाली, पता नहीं उनकी जिंदगी में उन्होंने इतने उच्च कर्म बांध लिए कि उनको उनके जो सोल को यही नहीं मालूम पड़ रहा था कि हमको यहाँ रहना है कि हमारे को उच्च गति में जाना है। रियल में यही महसूस हो रहा है कि वो बहुत उच्च गति में अपने पुण्य को उपार्जन करके, कम समय में इतना सारा उन्होंने पुण्य उपार्जन करके अपने आप को मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त कर लिया। हम तो प्रैक्टिकल में सिर्फ मुंह खार बिंद से बोलते ही हैं, मुख से बोलते ही हैं कि मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करना, पर दीदी भैया आप लोगों की प्रेरणा के द्वारा हम लोगों ने इतनी सदमार्ग सतराह चुनी कि माने शब्दों को, क्योंकि वो इतनी असीम असीम गुणों का भंडार थी। उनका बोलना उठना, दीदी के सामान सेम दीदी के जो गुण है पूरे उनमें समाहित कर लिए थे उन्होंने। मतलब वो जब प्रेजेंटेशन देते थे दीदी के समान, दीदी का रूप लेकर के, तो ऐसा लगता था कि हाँ दीदी ही बोल रहे हैं। इसके लिए इतना मन में ये चीज आता है कि हमें अपनी राह को किस प्रकार से चुनना है और किस राह पर चलना है। उन्होंने बहुत कुछ हमारे को इतनी ज्यादा लेसन सिखा के गए, मैंने बिलीव नहीं हो रहा, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भैया, मन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि रेखा दीदी नहीं, कि उनके उनके हर सेशन में मैं जाती थी, सुनती थी, देखती थी, वो बोलते थे मेरे साथ में और हर चीज शेयरिंग होती थी। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो उस आत्म स्वरूप को पहचानने वाली उच्च आत्मा को उसकी जो राह है, उसकी जो जगह है, वो ही मिले, और जरूर मिली ही होगी, और उनके परिवार को इतना आत्मबल, इतनी शक्ति दे कि उस पल को वो बहुत अच्छे से मजबूती से सहन कर सके। थैंक यू भैया। नमिता जी ने अपने विचार रखे। हमारे साथ IVS की जो कनाडा अमेरिका की ब्रांच चलाती हैं, डॉक्टर रितु जी जैन अमेरिका में हैं, कनाडा और US की दोनों ब्रांच वो चलाती हैं वेट लॉस वाली, तो रितु जी अपने विचार व्यक्त करेंगी, डॉक्टर रितु जैन। हाँ रितु जी। जय जिनेन्द्र। जैसा कि ये तो बिल्कुल विश्वास करने योग्य ही नहीं है, अभी दीदी का फोन आया और बताया मुझे कि रेखा जी जिनसे अभी थोड़ा लास्ट वीक ही पता नहीं अचानक से उनका मैसेज आ गया था मेरे पास और बोले कि बाय मिस्टेक मैसेज आ गया है। शायद देखिए ये कुछ प्रकृति का वो होगा कि मैसेज आना ऐसे उनका, फिर सेशन इतने अच्छे से वो लेती थी और उनकी मृत्यु का जो ये जो हुआ है हादसा ही बोलेंगे, बहुत विश्वसनीय नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि एक हमारे मन में भी बहुत सारी भावनाएं हो रही हैं कि ऐसा हमारे बीच में वो नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हमको इसको स्वीकारना भी जरूरी है, क्योंकि हाँ एक उनका जीवन का अंत है, भले ही वो आज हमारे साथ में नहीं है दीदी, लेकिन हमारा जो उनका जो उन्होंने इतना हमारे IVS में साथ में रह के बच्चों को जो संस्कार दिए, जो वो पाठशाला चलाती थी, जो सबके साथ में उनका इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार था, उनका जो नेचर है, उनका व्यवहार है, वो हमेशा साथ में रहेगा, और वो एक जो अस्तित्व उनका जो था वो उनके पीछे जो रह गया है वो हमेशा हमारे साथ में हमेशा हमेशा रहेगा। बहुत ही दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है, लेकिन ये एक प्राकृतिक भाग है हमारे जीवन चक्र का कि इस दुख और पीड़ा के समय हम ये याद रखें हम सभी के लिए कि मृत्यु अंत नहीं है, एक परिवर्तन है। आगे की यात्रा जो रेखा दीदी की हुई है स्टार्ट, उनकी आत्मा को और अधिक तरक्की दे आदिनाथ प्रभु, इस भौतिक लोक से आगे की ओर उनको लेकर जाए, और उनकी जो एक आत्मा की नई जर्नी स्टार्ट हुई है उनकी प्रेममयी और बहुत शांतिपूर्ण हो। हम लोगों के लिए ये एक एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो उनके जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनको इतनी हिम्मत प्रदान करें प्रभु कि जो उनका ये देह परिवर्तन हुआ है उनको भी शांति मिले और उनको
उसको दुख को सहने की शक्ति मिले, जिससे उनका ये जो एक अनुभव है, ये जो उन्होंने हमारे साथ में अपनी प्यार भरी यादें बनाई हैं, जो जीवन की हमारे लिए मूल्यवान यादें हैं, जो यहीं पर सीमित नहीं करती हम सबको, तो उसके लिए सभी को सहानुभूति के साथ उनकी जितने भी प्रियजन हैं सबको मैं यही कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको ये दुख से सहन करने की भी शांति और शक्ति प्रदान करे ईश्वर। भैया आवाज। सीमा जी जयपुर। सीमा जी। जय जिनेंद्र भैया। ये बहुत दुख की बात है, अभी मुझे भी अभी ही पता चला इतना दुख हो रहा है। दीदी मुझे इतना मैसेज करके इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत ही दुख की बात है। बहुत चीज सीखी हमने दीदी से और इतना ज्ञान था उनमें कि उनके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति, और क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं भैया हम लोग। सही बात है, इसके लिए इतनी बड़ी क्षति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अब इंडिया आएंगी, अब इंडिया आएंगी, मतलब बहुत बड़ी क्षति है। दीदी बोली मैं इंडिया आ रही आऊंगी, मैसेज इतने दीदी इतने अच्छे अच्छे मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल देती थी, बहुत मतलब ये कि मन में रह गया कि कभी मतलब एक भक्तामर, आज अपने एक भक्तामर परिवार का एक सदस्य कम हुआ, इतने बहुत ही दुख की बात है। एंड सेशन में भी उस दिन भैया ने भी बोला था मैं आपका बॉम्बे वापस आ जाए इंडिया, लेकिन देखिए मतलब उनका आना ही नहीं। अभिनय भैया ने भी उस दिन सेशन में कहा था कि आप तो वहीं जाके भैया को बोला था कि रह गए एंड वापस नहीं आए, और देखिए कि वापस आना ही नहीं हुआ। मुझे अभी दीदी का फोन नहीं आया तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी दुखद ये हमारा, जैसे लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना इस चीज को हम नहीं सहन कर पा रहे, हम लोगों के लिए इतना हृदय विदारक है तो उनके परिवार के लिए कैसा रहेगा। बस उनकी आत्मा को देखो, शांति फिर भी एक पुण्य आत्मा थी कि अपने परिवार के साथ गई, आज बच्चे सारे फॉरेन में थे, अगर वो इंडिया होती तो आज उनको उनका सानिध्य राइट राइट तो अपने इतनी पुण्य आत्मा थी कि ऑटोमेटिक भगवान ने उनको अपने सब परिवार के साथ में के साथ उनको विदा किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सीख है कि अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हम अपने परिवार के साथ जाएंगे, वरना इतने दूर रहते हुए बच्चे चाहते हुए भी एट ए टाइम नहीं पहुंच पाते उनके पास, आज इंडिया में नहीं पहुंच के आने में, लेकिन अंतिम समय तक ये बच्चे सब साथ रहे, पूरा परिवार उनका साथ था एक तरह से, ये बहुत भगवान की पुण्य ही है और उनकी पुण्य आत्मा के ही फल है। बहुत बहुत अनुभव। मनोज गांधी जी के, मनोज गांधी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं कि मनोज गांधी जी। हाँ जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मैं भी तभी से जुड़ी थी, तभी से मैंने उनको देखा था, बहुत अच्छी थी वो, बोलने को कुछ शब्द नहीं है, बोलने को नहीं होता है, आत्मा को शांति मिले। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना जी हमारे जयपुर की सेंटर हेड जयपुर ब्रांच चलाती हैं, ज्योत्सना जी बहुत अच्छे से रेखा जी से जुड़ी हुई थी और अपने विचार देंगी। ज्योत्सना जी जो आईवीएस के एक स्तंभ हैं। जय जिनेंद्र सभी को। मतलब अभी अभी जस्ट मैंने सुना तो मतलब मेरे को इतना बड़ा आघात लगा, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले मेरी रेखा आंटी से बात हुई थी, क्योंकि वो मेरी गुड़िया भी है, वो भी रेखा आंटी के साथ उनका सेशन लेती है बच्चों का, तो वो बता रहे थे कि अपने को ये करना है ये करना है, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे अपने को आगे भी, अप्रैल के अंदर उनका एक सेशन होने वाला था पूरा, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आंटी यहाँ कैसे करे, तो उन्होंने बोला कि नहीं विनय भैया अर्चना दीदी को अपन सरप्राइज देंगे, एक उन्होंने बड़ा ही अच्छे थीम बनाई थी उन्होंने, तो बोले कि अपन अर्चना दीदी विनय भैया के लिए तो सरप्राइज रखेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, और बाकी मैंने बोला कि उनको फॉरवर्ड कर दिया अपने को क्या क्या इसके अंदर करना है, और बच्चों को बड़ा ही वो मोटिवेट करते थे, बच्चों को हर वक्त उनका एक ही स्लोगन रहता था कि मुस्कुराना है, सिर्फ मुस्कुराना है, कभी भी बच्चों को वो ये, जब भी उनके फेस पे स्माइल नहीं रहती थी बच्चों के, तो वो कहते थे कि नहीं
पहले इसको स्टॉप करो और पहले चेहरे पे तुम्हारी स्माइल रहनी चाहिए। तो वो खुद भी हर वक्त मुस्कुराते रहते थे और उन्होंने बच्चों को भी यही सिखाया उनके क्लास के अंदर कि तुम सब मुस्कुराते रहो। मतलब एक बता नहीं पा रही हूँ कि कितना मतलब मुझे फीलिंग एकदम से। अभी मेरी रितु जी से बात हुई थी, रितु जी ने कहा कि रेखा आंटी का देह परिवर्तन हो गया, उसी वक्त मतलब मेरे एकदम सेंसलेस हो गई कि क्या हो गया। अचानक से भी दो चार दिन पहले हमारी बात हुई थी और ये क्या हो गया। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और जिस तरीके से मुस्कुराते रहते थे, मेरा मानना है कि उनकी जो आत्मा है वो भी मुस्कुराती हुई देह परिवर्तन करके दूसरे लोक में बहुत ही अच्छी गति को प्राप्त हुए होंगे, ये हम आशा करते हैं और विश्वास के साथ भी मानते हैं कि उनका जो देह परिवर्तन हुआ है बहुत ही अच्छी जगह पर उनको मिली होगी। और भगवान उनके परिवार को, उनके सगे संबंधियों को, सभी को ये इस घड़ी के अंदर सहन शक्ति करने की हिम्मत दें। और जैसे रेखा आंटी कहती थी कि हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए, तो सभी को एक उनकी जो आत्मा है उनको तभी शांति मिलेगी जब हम उनके उन शब्दों को सार्थक करें और उनकी जो भावनाएं थी वो भी हम लोगों तक पहुंचाएं कि हर वक्त वो भी बहुत कुछ और भी बहुत सारी चीजें हमारी बात होती रहती थी कि हमें ये करना है ये करना है। तो सच में थैंक यू सो मच कि हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। जय जिनेंद्र। ये बात का दुख है कि हम कभी फेस टू फेस रूबरू हो नहीं पाए, कि कभी हक कर लेते उनसे गले मिल लेते। सोचा नहीं था कि इतने जल्दी इस टाइप की परिस्थिति हमारे बीच आ जाएंगी। बहुत मन में इच्छा थी कि रेखा जी से फेस टू फेस मिलना, एक बार तो गले उनसे मिलना ही है। उनकी भी बड़ी इच्छा थी, हमारी भी बहुत इच्छा थी और प्लान कर ही रहे थे कि अभी इंडिया आएंगे, अजय जी के पास जाएंगे, आप नागपुर आइए, और बीच में ये ऐसा हो गया तो बहुत दुख हो रहा है। यदि एक बार हम मिल लेते तो हमें चलो तो कि भाई एक बार हम मिले। फेस टू फेस हम मिल भी नहीं पाए और इतनी अच्छी हस्ती हमारे बीच नहीं है, नहीं होके भी है लेकिन हम उन्हें गले नहीं लगा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मन में खटक रही है कि कैसे ये बिना मिले कोई हमसे ऐसे जा सकता है। ये बहुत दुख की बात हो रही है मन में, ये बहुत बार बार विचार ये आ रहे हैं कि हम गले भी नहीं मिल पाए, हम रूबरी मिल नहीं पाए। हमारी इतनी अच्छी साधक जो मैं प्रवचन देती उसको वो तुरंत ही पूरा का पूरा कंप्यूटर थी रिपीट करके तुरंत बोल देती थी। मतलब एक ही सबसे ज्यादा दुख तो हमको ही होगा कि हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मतलब कंप्यूटर का नाम मैंने ही उनको बोला था, कंप्यूटर हमें तो बोलते भैया आपने मेरा कंप्यूटर नाम दिया है क्योंकि वो शब्द मैंने ही लाया था। बस पूरा एक घंटे का अर्चना का प्रवचन या लेक्चर या सेशन 10-5, 8-10 मिनट में या 5 मिनट में पूरा उसके सारांश पॉइंट टू पॉइंट लोगों को आखिर में बताती थी वो। तो इतना याद रहना और उसको कवर करना कुछ भी छूटता नहीं था। तो ऐसे हमारी रेखा जी के लिए तो मैं तो अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी इतना दुखी नहीं होऊंगा या होता होऊंगा शायद जितना आज हो रहा हूँ कल रात से। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसे जिन साहब अकेले आएंगे इंडिया तो कैसा उनको लगेगा। हम लोग झूम में हमेशा हमने झूम में दोनों को साथ में बैठते देखा है और आज साथ में नहीं है, ये देख के भी हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो उस बात की कल्पना करके भी डर रहा हूँ। कल रात 10 बार अर्चना से बोल चुका हूँ फ्लाइट में जब अकेले आएंगे बाजू में एक ही नहीं रहेंगे तो कैसे उनको फील होगा। अभी 2-3-4 दिन पहले बोला था कि आप इंडिया आ जाइए, यहाँ का घर भी देख लीजिए कैसा है क्या है। प्रमिला जी जय जिनेन्द्र। अभी सुनकर बहुत दुख हुआ, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। हमेशा बहुत एक्टिव रहते थे ग्रुप पर, पूरे टाइम बच्चों के साथ भी सभी के साथ बहुत अच्छे से एक्टिव रहते थे। अचानक ये बात सुनने को मिली बहुत दुख हो रहा, भगवान उनके आत्मा को बहुत बहुत शांति दे। शांति कासलीवाल हरवाल ब्रांच के सेंटर है, प्रमिला जी कासलीवाल ने अपनी भावना व्यक्त की। और कुसुम जी मालूम बहुत अच्छी थी, मेरी मान्यता भी उस क्लास में पढ़ती थी वो। बहुत मैंने जब भी मिलते थे तो बोलते थे ये आपकी कौन है, तो वो मन से पूछती थी कि कौन है, तो बोलती दादी जी है। तो बहुत मुझे हंस के इतना मने बोलती थी, बहुत उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, सुख शांति दे भगवान, मैं इतना ही बोल पाऊंगी।
जितने स्टूडेंट के फादर थे, पेरेंट्स थे, सभी ने अपनी बहना व्यक्त की जो जिनको पता चला है, बाकी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। एक दिन और हम इसकी रखेंगे। तो अभी हमारे साथ नीलम जी दिल्ली वाली जुड़ गए हो तो हैंडेज कर दीजिए, उनका फोन आया था। नीलम जी दिल्ली जुड़ने वाले, बच्चों को लो, बच्चे अपने दादी के बारे में बोलो। हाँ बच्चे, कबीर बेटा, बच्चे दादी के बारे में बोलो, दादी ने क्या क्या पढ़ाया बताओ। दादी टॉटस पैगंबर, दादी टॉटस पैगंबर, बक्तांबर जी पढ़ाया था। हाँ, आप भी बता दो कि आपने भी याद किया था अक्षुता। हाँ, आई दादी तो अल्पश्रुता बता सकते हो, अल्पश्रुता अल्पश्रुता देवतम परिहासे दामे त्वद्वाचि रेव मे मुकरी करोते बलां मामे यत् कोकिले किल मधु मधुरां विदोति चाम्रे चारु कलिका निकरे कहेतु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए बच्चों को ऐसे संस्कारित करा उन्होंने, अमेरिका में रहके 6 नंबर श्लोक याद करवा दिया। 1-1.5 साल जो अमेरिका में रहे वो उनके बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद और शिक्षाप्रद समय रहा कि बच्चों ने 1 नंबर 6 नंबर याद कर लिया, 1st नंबर 6 नंबर, बहुत शिक्षाप्रद समय बच्चों के साथ व्यतीत हुआ। दादी को उन लोग भी बहुत मिस कर रहे होंगे, जो दादी इतने अच्छे संस्कार दे रही थी, कुछ नए नए आइटम भी बना बना के खिला रही होंगी। रोज दादी लोग आते हैं तो ये बनाना है वो बनाना है, तो बच्चे भी बहुत उनको मिस कर रहे होंगे। निश्चित ही कि आज दादी ने खाना क्यों नहीं बनाई, आज दादी हमारे साथ क्यों नहीं है, आज दादी ने कुछ नया आइटम क्यों नहीं बनाई, बहुत मिस कर रहे होंगे मन ही मन में। बच्चे बहुत सारी चीजें व्यक्त नहीं कर पाते, बहुत सी चीजें अव्यक्त रहती है, लेकिन वो उस चीज को जरूर मिस करते हैं। चलिए नीलम, हमारे साथ सैमसंग SM से जुड़े हैं, कोई बोलना चाहते हैं? नीलम जी सैमसंग से बोलिए, नाम नहीं समझ में आ रहा है। नीलम, हाँ, उनका वीडियो बंद हो गया, सैमसंग का वीडियो बंद है दीदी, आप खोल नहीं पा रहे हैं उसको शायद। नीलम जी ज्वाइन हुए क्या? देखिए कुसुम मालू जी के यहाँ से बच्चे आ गए, बच्चों को दिखा दीजिए। कुसुम जी बोले, कुसुम जी बच्चों को दिखाइए। भाई साहब अभी भाई साहब दिखाई दिए थे ना, ऐसी जन सब। अजीत जी कुछ बोल रहे हैं एसी जन साहब को, एसी जन साहब भाई साहब, जय जिनेंद्र भाई साहब, अचानक ऐसा सुन करके और इतना अच्छा रेखा जी का स्वाध्याय, क्या आप लोगों की दोनों की ऐसी जोड़ी जो इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कोई, भगवान की प्रकृति का जो संयोग और विछोह का जो क्रम है उसके आगे हम सब सभी नतमस्तक है। प्रभु उनको सदगति दे, और ऐसी विदुषी धर्म परायण महिला जिन्होंने बच्चों के लिए इतना संस्कार दिए, मेरी पोती भी उनके साथ एक दो बार पढ़ी थी तो उसको भी उन्होंने ऐसा अच्छा बहुत अच्छी तरीके से बोला, इतना संयम और इतने मधुर भाव से बच्चों को शिक्षा देने वाली नारी, शायद इतने संस्कारों को देने वाली, अचानक विश्वास ही नहीं होता कि अचानक ऐसे गायब हो जाएंगी। हम तो आपकी यही इंतजार कर रहे थे कि आप इंडिया में आएंगे और हमको उन्हें हमको मार्गदर्शन देंगे, प्रभु के आगे सब हम भगवान उनको सदगति दे और आपको भी सजीव दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सादर जय जय, सादर जय जय, सभी को इतने लोगों ने भावनाएं व्यक्त की है, सभी के आवाज नहीं निकल पा रही, रूहानी मूर्त मतलब रियली मतलब आत्मा से जो आवाज निकल रही है उस प्रकार की श्रद्धांजलि हुई है, जो कोई ने किसी भी रूप से बनावटी है ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्मेलिटी है, आत्मा से इंटरनल एक्सप्रेशन लोग अपने व्यक्त कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सभी लोग रेखा जी को कितना प्यार करते थे। नीलमा जी फिर आ गई है, रेखा जी की विशेषता देखो, सब लोग एक ही बात कह रहे कि अभी अभी मेरे से 2-4 दिन पहले बात हुई, कोई कह रहा मुझे मैसेज आया है,
यानी वो सभी के कांटेक्ट में थे, ये नहीं था कि इतने सात समुन्द्र पार अमेरिका रहने के बाद भी वो किसी को भूल गए हो। सबके साथ डियर बेटा दीदी मेरे से तो बात होती ही रहती थी, लेकिन सब लोगों का कहना है कि अभी अभी हमारी बात हुई, दो तीन दिन पहले हुई, वो प्लानिंग हुआ, ये हुआ वो हुआ, यानी उनके अंदर बच्चों को लेके बहुत ज्यादा रहता था कि कुछ मैं नया कराऊं। हमेशा उनको रहता था दीदी मैं कुछ नया प्रोग्राम दूं, दीदी मैंने ये सोचा है, दीदी मैंने वो सोचा है, मैंने दीदी 16 सपने सोचे हैं, मैंने ये सब सोचा, मैंने ऐसा सोचा। तो सभी लोग कोई सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी अभी बात हुई, हमें मैसेज आया नहीं। सोचिए उतने दूर रहने के बाद भी सब लोगों के कांटेक्ट में थी और सब लोगों से इतनी अच्छे बात करके रहते थे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने मिलनसार व्यक्ति व्यक्तित्व वाले वो थे और कितने वात्सल्य मूर्ति वो थे और सबको साथ में हिलमिल के रहने वाले थे। दोनों को हम हमेशा एक साथ बैठे देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। जैन साहब कहते थे कि मेरे साथीदार धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, एससी जैन साहब उनकी वाइफ बैठते थे, फिर अजीत जी उनकी वाइफ भी बैठने लगी और फिर मोदी जी भी रिटायर्ड हो गए थे, तो अब साथ में बैठने वाले बैठने, तो जैन साहब कहते थे मेरा ग्रुप बढ़ रहा है अभी और एकदम से ऐसा। तो ये बहुत ही दुखद घटना हम लोगों के साथ हुई है। और नीलिमा जी जब आप बोल नहीं पाए थे थोड़ा सा, जय जिनेन्द्र, मैं अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ पर उनके शब्द सब कानों में गूंजते हैं। जो दीदी का सेशन होता था उसके बाद जो वो बोलते थे ना, वो आज भी कानों में गूंजते हैं और दीदी और भैया साथ में बैठे हुए दिख रहे हैं अभी भी। विमला जी हमारे साथ है, विमला जी दीदी दोनों मेरे साहब अभी जो साथ में बैठे रहते इतना अच्छा लगता है उनका बोलना और उनका बातचीत करना, सबको सही में इतनी अखरी इतना लग रहा है कि मैं उनसे कभी बात नहीं करी, उनसे कभी मिली नहीं ऐसे, मैं कभी फोन पे बात नहीं करी क्योंकि मैं फोन इससे बातचीत नहीं करती हूँ, आवाज के कारण ऐसा लगता है कि मजाक बने कोई शब्द ऐसे निकल जाए, इसका मुझे बहुत दुख हुआ सही में। हमारे साथ सालू जी जुड़े हैं, सालू जी हमारे IVS के डायरेक्टर, सालू जी जयपुर, सालू जी यदि सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन करके हमारे साथ श्रद्धांजलि सभा में सहयोगी बनिए। सालू जी जयपुर हमारे IVS के डायरेक्टर सालू जी जैन जयपुर, मैंने को होस्ट बना दिया दीदी, आप जब लगे अनम्यूट कर लीजिए। गाड़ी में है वो नेट की प्रॉब्लम भी चलते, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। चलिए मैं दो लाइन बोलूं क्या भैया, दीदी ने सात समंदर की बात बोली तो मैं बोलना चाहती हूँ चार लाइन। सात समंदर पार गई तू, हमको जिंदा मार गई तू, खून के रिश्ते तोड़ गई तू, आँख में आंसू छोड़ गई तू, ऊपर ने तेरा नाम लिखा है, अंदर में पैगाम लिखा है, वो परदेश को जाने वाले लौट के ना आने वाले। चलिए रितु जी ने भावना एक बहुत ही कविता के दुखद गीत था जो फिल्म में फिल्माया गया था उसके माध्यम से व्यक्त करी, लेकिन इस समय वो बिल्कुल फिट हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक था। चलिए हमारे साथ नीलम जी दिल्ली। जी 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 एक मिनट, खबर इतनी सैड खबर सुन के बहुत दिल उदास है और मैं उनके लिए एक भजन बोल रही हूँ। प्रभु की नगरिया जाना, छोटा जीवन दूर डगरिया,
प्रभु की नगरिया जाना, छोटा जीवन दूर डगरिया, गहरी नदी समय थोड़ा, गहरी नदी समय थोड़ा, बड़ी दूर भी है जाना, छोटा जीवन दूर डगरिया, हो दो दिन के इस जीवन में आके सपनों का संसार बसाया, सपनों का संसार बसाया, मोह माया में राग द्वेष में, मोह माया में राग द्वेष में जीवन का नहीं सार, छोटा जीवन दूर डगरिया, हो दुनिया में अपना नहीं पराया, जो कुछ है सब आना जाना, जो कुछ है सब आना जाना, जो कर ले सत्कर्म यहाँ पे, जो कर ले सत्कर्म यहाँ पे, उनकी नैया पार, छोटा जीवन दूर डगरिया, हो जीवन तो एक है भूल भुलैया, प्रभु ही अपना एक सहारा, प्रभु ही अपना एक सहारा, जो प्राणी प्रभु शरण को पाले, जो प्राणी प्रभु शरण को पाले, वो होगा भव पार, छोटा जीवन दूर डगरिया, प्रभु की नगरिया जाना, छोटा जीवन दूर डगरिया, प्रभु उनके परिवार को शक्ति दे इस इतनी वेदना सहन करने के लिए शक्ति। अभी हॉस्पिटल में ही होंगे ना, हॉस्पिटल में ही है ना, तो हो सके तो एक बार अंतिम दर्शन सबको आज कल जैसे भी। अच्छा अच्छा, अभी हॉस्पिटल में है तो जल्द से जल्द उनके लिए एक अंतिम दर्शन एससी जैन साहब से कर रहे हैं कि बहुत मन कर रहा है एक बार अंतिम दर्शन हॉस्पिटल से यदि करा सकते। हॉस्पिटल में तो अब नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह जैसे शिफ्ट होगा तो मैं आपको दर्शन करा के आपको मैसेज दे दूंगा। हाँ मैसेज दे दीजिएगा। नहीं लेकिन वो जूम में तभी लोग कर पाएंगे जब सुबह के टाइम कुछ ऐसा टाइम मैच करेगा, और नहीं तो मैं उसका वीडियो बना के कर दूंगा, अगर टाइम मैच नहीं करेगा तो वीडियो कर दूंगा। ऐसा भी कर सकते है यदि आपके पास टाइम पीरियड डिसाइड हो जाए दो चार घंटे पहले, तो हम लोग उसका उसी समय में झूम रख लेंगे और जो लोगों को मैसेज डाल देंगे भाई इतने बजे झूम स्टार्ट होगी अंतिम दर्शन के लिए, तो उसी समय उनका अंतिम दर्शन करवा देंगे। तो ठीक है, जैसे जैसे टाइम तय होगा मैं आपको बता दूंगा। भावनाओं का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अभी हॉस्पिटल में है भाई? नहीं हॉस्पिटल में तो वहां से तो मतलब करके उनके उसमें है, उनके स्टोरेज में जो। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम ये है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला होता है, इलेक्ट्रिक के भी चार पांच है, सब तरह से होता है, तो उसका टाइम मिलता है कि कितने दिन बाद हो पाएगा। अच्छा
तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने तो यही कहा है कि आसपास में 5-6 जो दूर भी हैं कि जिसमें जल्दी से जल्दी जो भी तारीख मिल जाए उसमें कर, जो भी अर्लीस्ट मिल जाए। उम्मीद है कि शायद बृहस्पति की मिल जाए, बृहस्पति की मिल जाए, मंडे मिल रही थी, बृहस्पति की शायद हो जाए। जैसे फाइनल हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मधुबाला जी राठौर, और समय भी बता दूंगा, समय भी बता दूंगा। हाँ, समय भी जरूर बता दीजिए तो सबको, समय और दिन दोनों चीज बता दूंगा। मधुबाला राठौर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मधुबाला जी राठौर, चलिए शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो हम लोग अब एक बार अर्चना, दीपा जी, अर्चना जी और अजीत जी और शुरुआत का एक श्लोक पढ़ेंगे। ऐसी आप एक ही श्लोक पढ़ पाएंगे और बाकी कल हम भक्तांबल 3 बार सुबह पढ़ेंगे रेखा जी के लिए। कल जो हमारा प्रोग्राम था वो हम आगे करेंगे। मधुबाला राठौर जी बोल रहे हैं कि कुछ, और कल हम सुबह आवाज नहीं है, ठीक 7:15 बजे भक्तांबल पाठ शुरू कर देंगे, 1 घंटे 7:15 से 8:15 तक। आज समय हो गया है। हाँ, तो कल करेंगे दीपा जी। जी भैया कल करते हैं। कल सभी लोग ज्यादातर कोशिश कीजिए श्रद्धांजलि के हिसाब से, आज मालूम नहीं था, सभी लोग श्वेत वस्त्रों में आज मैसेज करेंगे, मैसेज डाल देंगे और कल भक्तांबल कर, कल हम भक्तांबल पढ़ लेंगे और फिर जैसे ही 13 दिन होते हैं तो हम एक अखंड पाठ, 24 घंटे का अखंड पाठ रेखा जी के लिए हम रखेंगे, 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे ही अखंड पाठ भी 24 घंटे का रखेंगे। कल 1.25 घंटे का अखंड पाठ रहेगा हमारा, 1.25 घंटे हम भक्तांबल या नमोकार मंत्र जैसी सबकी इच्छा वो पढ़ेंगे, और उसके बाद 10 दिन बाद अखंड 24 घंटे का पाठ भी हम समय अनुसार रखेंगे। चलिए, और ऐसी प्रकार उनके पूरे अंतिम दर्शन के लिए हम आपको समय देंगे, तो आप लोग सब अलर्ट रहिए। हाँ, IBS के सेंटर हेड ग्रुप में और सभी ग्रुप में मैसेज आएंगे, तो समय पे आप सभी लोग ज्वाइन होइए। बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है। हाँ, एक दिन हम और श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आराम से, संडे को कम लोग रहते हैं, संडे को आज कम लोग रहते हैं, तो हम अदर्स डे में वीकली, वीक के कोई भी स्टार्टिंग डे में मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एक दिन फिर सभा रखेंगे, जो लोगों की और इच्छा है उनके बारे में अपनी भावना व्यक्त करने की तो अपनी भावना में जरूर व्यक्त करें, सभी को पूरा मौका दिया जाएगा। बस समय देखिए, किसी का कोई निश्चित नहीं है, तो कार्य ऐसे ही करिए जो सब अच्छे हों, आगम के अनुसार हों। 2 दिन पहले तक किसी को आवाज नहीं था कि ये सब कुछ ऐसा होने वाला है, और ऐसा हो गया। 2-3 दिन पहले ही फोन आया, 3 दिन पहले ही मेरी इतनी लंबी बात हुई है। इस सभा को कभी भी हम शोक सभा नहीं कह सकते, ये सभा जो हो रही है वैराग्य की सभा हो रही है, धर्म की सभा हो रही है। रेखा जी के साथ इतने धर्म और इतने संस्कार और इच्छा से लगाव था, तो ये धर्म सभा हम कहेंगे वैराग्य की सभा, हमें वो सिखा रही है, हमें वही लेसन देके जा रही है ये सभा कि हर समय आप अलर्ट रहिए, एक भी पल आपका बिना नियम संयम के ना रहे, हर समय आपके कंठ में माँ जिनवानी माँ सरस्वती विराजमान रहे। आज की यह सभा हमें यही शिक्षा देती है। जय बोलिए, जय नमो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगह खाली हुई है तो खाली भर तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग अपनी उपस्थिति से हमें हमेशा आभास कराइए कि वो हमारे साथ आज भी है। यही हमारी आपके परिवार के साथ संवेदनाएं और यही हमारी अभिव्यक्ति है। हम लोग उनके साथ है और आप लोग हमारे साथ है, और दीदी की क्षति इसी प्रकार पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे साथ साथ चलने की। सॉरी, नमो अयंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये तपोताऊणम। भक्तांबल जी का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक अर्चना बोल देंगी। भक्तांबल प्रणत मौलि मणि ब्रह्माणा उद्योदकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानां।
यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुतभूत भूति पटु भी सुर लोकनाथ स्तोत्र जगत चित्त हरे रुदारे स्तोषै किलाहम पितम प्रथम जिनेन्द्रम स्तोत्र जगत चित्त हरे रुदारे। ये लाइन मैंने डबल इसलिए रिपीट करी कि वह सबके चित्त को हरने वाली ही थी रेखा जी, इसलिए इस लाइन को मैंने वापस रिपीट करी हूँ। और अंतिम, अब अंतिम श्लोक पढ़ूंगा, सुप्रस्तजम तव जिनेन्द्र गुणी बद्धा भक्ता मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा दत्ते जनो यही है कंठ गता मजस्तम तमान तुंग मवसासमुपैति लक्ष्मी तमान तुंग मवसासमुपैति लक्ष्मी तमान तुंग मवसासमुपैति लक्ष्मी। बोले आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी की जय जय जय। भगवान रेखा जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके पूरे परिवार को भी हौसला दें, फुर्ती दें और उनका आत्मविश्वास मनोबल इसी तरह बनता रहे। और शिल्पी जी से मैं आग्रह करूंगी, मम्मी की जगह यदि शिल्पी जी लेती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शिल्पी जी अब पाठशाला को आगे बढ़ाएंगी, उनको भी प्रभु इतनी हिम्मत दे। करने से सब आता है, पढ़ते ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, पढ़ते रहो, पढ़ो और वही फिर बच्चों को प्रदान करो। तो मेरा आग्रह है शिल्पी जी इस चीज को संभाले, या दोनों बहुए है भाई साहब की, वो दोनों शिल्पी जी का साथ दे के तीनों लोग मम्मी की पाठशाला को आगे रन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 दिन 2 घंटे ही देना है, सैटरडे संडे 1-1 घंटा ही आपको देना है, तो बच्चों से अच्छे से रूबरू हो जाएंगे सब बच्चे। यही मेरी भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए लीव करते हैं और जैसे भी कुछ आगे के प्रोग्राम होंगे हम आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अवगत कराएंगे। और किसी को बोलना तो नहीं रह गया, हम कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो हैंड रेज कर दीजिए, फिर ले लेंगे ना, और नहीं तो अगले बार जो होगी श्रद्धांजलि उसमें हम जरूर ले लेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने वैसे बोल लिया है। जैन साहब अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए, जो होना था प्रभु को जो था वही हुआ। चलिए।